जय हिंद। आज की परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। पुलवामा हमले के बाद बदलते हुए भारत के परिदृश्य को, युवाओं की अति उन्मादकारी सोच, राष्ट्रहित के जुनूनी भाव, तमाम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को सामने लाने के लिए आज एक प्रयास किया गया है। सर, स्वागत है आपका आज की चर्चा में, आरंभ करते हैं। सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा पहले दिन मैंने आप लोगों के साथ परिचर्चा की थी कि कवि दीपक सर को इस मुद्दे पर जरूर आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि हम लोग कल पाकिस्तान की नीति जब चर्चा कर रहे थे तो उसी वक्त हम लोगों ने इन्हें बुलाने का निर्णय लिया था, पर किसी कारणवश हम आज इनके साथ जुड़ रहे हैं। आज की परिचर्चा जो पहले होनी थी वो कुछ अन्य मुद्दों पर थी, परंतु फेसबुक पर जो चल रहे वातावरण और उसके साथ साथ इस राष्ट्र की सियासत के जो मायने हैं या जो सियासत की चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं पर हम लोग आज फिर से एक परिचर्चा करना चाहते हैं कि किस तरीके से ये मुद्दा बना है। और आज की परिचर्चा का जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि क्या सियासत के लिए सुरक्षा राष्ट्र के लिए कोई मायने रखती है या सियासत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे में आज की परिचर्चा की हमने हेडिंग रखी है सियासत और सुरक्षा। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपसे शहीदों की श्रद्धांजलि की मैं उम्मीद करूंगा आपके शब्दों के माध्यम से ही। जी सर, ये राष्ट्र जो बना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये राष्ट्र एक वटवृक्ष की तरह खड़ा है, लेकिन इस वटवृक्ष को, ये जो इतना बड़ा वृक्ष बना है, इसके जड़ों में न जाने कितनी जवानियां गली है, तब जाकर के ये वृक्ष विराट स्वरूप लेकर के हमारे सामने है। पिछले गणतंत्र दिवस के करीब मैं जैसलमेर की यात्रा पर था, बीएसएफ के किसी कार्यक्रम में जाने के लिए, लेकिन संयोग बस वहाँ नहीं पहुँच पाया। लेकिन वहाँ जब मैं बॉर्डर पे दर्शन करने गया दूसरे दिन, कार्यक्रम के दूसरे दिन, तो वहाँ मैंने देखा भारत की सरहद की हिफाजत में एक बेटी खड़ी थी जिसका नाम प्रियंका था, मुरादाबाद की एक बेटी थी। तो मैंने देखा वो गर्मी के माहौल के अंदर मरुस्थल में देश की हिफाजत करने के लिए योद्धा खड़े होते हैं। हिमालय की बात करें अपन तो -55 डिग्री तक देश की सुरक्षा करने के लिए जवान खड़े होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने चार पंक्तियों उस समय लिखी थी कि जहां आसमान से पानी नहीं आग बरसती है, जहां आसमान से पानी नहीं आग बरसती है, उस धरती पर वे शमी वृक्ष बनकर खड़े हैं और हिम से आच्छादित उतंग श्रृंगों पर स्वयं हौसलों का हिमालय बनकर अड़े हैं। पद पद पर काल हाल बेहाल करे पर महाकाल बन अरिपक्ष से लड़े हैं। मैं दीपक नमन करूं उन महावीरों को जो भारती की चुनरी में सितारे बनकर जड़े हैं, जो भारती की चुनरी में सितारे बनकर जड़े हैं। ऐसे लोगों के कारण, ऐसे हुतात्माओं के कारण, ऐसे बलिदान के कारण, ऐसे त्याग के कारण, ऐसी वीरता के कारण, ऐसे शौर्य के कारण इस हिंदुस्तान की हिफाजत होती है। लेकिन तकल्लुफ तब भी होती है जब जवान देश के लिए शहादत देते हैं और कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या अपने किसी व्यक्ति विशेष को तुष्ट और पुष्ट करने के लिए जब गलत बयानबाजी करते हैं, तो देश, एक तरह से देश के युवा मिसगाइड होते हैं, तब पीड़ा होती है। बहुत खूब सर, आपके शब्दों में आपने इस राष्ट्र के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पर मैं आपको आज इसी मुद्दे पर इसलिए आपके साथ जुड़ना चाहता था कि इस राष्ट्र में सैनिक के प्रति सम्मान सदैव रहा है और उस सैनिक सम्मान की वजह से ही आज सियासत एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है इस राष्ट्र में, और सुरक्षा के मायनों में सियासत घसीटी जा रही है। और एक ट्रेंड पिछले 5 सालों से इस राष्ट्र में वैसे भी चल रहा है, जैसे मैं अगर सत्य पर आधारित अपने शब्द रखूं या अपने निजी विचार रखूं तो आत्मा सबकी जानती है कि इस राष्ट्र में परिवर्तन हो रहा है, मन सबका स्वीकार करता है इस राष्ट्र में विकास हो रहा है, परंतु कुछ मजबूरियां, चाहे वो राजनीतिक मायनों में कहो, कुछ मजबूरियां अपने निजी हितों में कहो, या फिर एक भेड़ चाल जो इस राष्ट्र में परंपरा के तौर पर आज तक चलती आई है, इस वजह से आज कोई भी सरकार का समर्थन करता है तो एक आलोचना लगती है कि आप मोदी भक्त हैं और राष्ट्रभक्ति को लोग मोदी भक्ति से जोड़ना चाहते हैं। आपके साथ तो ये काफी समय से हो रहा है, तो आपकी क्या विचार है इस मुद्दे पर? सर, ऐसा है, इस मुद्दे पे हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ेगी। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए
कि भारत की आर्मी ने या एयरफोर्स ने वहाँ स्ट्राइक किया, उसके बावजूद भी पूरा विपक्ष और पूरा मीडिया सरकार के साथ खड़ा था, उनको पता है कि सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी वो अपनी साख बचाने के लिए खड़े थे। और विडंबना देखी हमारे यहाँ के परिदृश्य की, पाकिस्तान मीडिया जो कहे उसे यहाँ सच माना जाता है, पाक का प्रधानमंत्री जो कहे उसे सच माना जाता है, पाक की सेना जो कहे उसे सच माना जाता है। अविश्वास किस पर? खुद की सेना पर, खुद की सरकार पर, खुद की मीडिया पर। ये अपने आप में एक विडंबना का सा विषय है। हो सकता है इन लोगों के खुद के कोई राजनीतिक तुष्टिकरण के मायने होंगे, लेकिन सर विडंबना है कि हमारा युवा जो है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष विश्लेषण के बजाय फेसबुक या व्हाट्सएप की खबरों की दुनिया से निकलता है। किसी एक, मैं कई लोगों की वाल देखता हूँ फेसबुक पे, जो एक बात कुछ लिखते हैं, दूसरे दिन कुछ लिख देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, बस उनको ये पता होता कि शेयर करना है। बहुत कम लोग हैं जो निष्पक्ष और बात की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम राष्ट्रभक्ति की बात करते तो आपने सही कहा कि मोदी भक्ति का टेक लगा दिया जाता है। सर एक कार्यक्रम की बात बताऊं मैं, हमारे झुंझुनू में एक केंद्रीय मंत्री आए थे भाजपा के, चौधरी वीरेंद्र सिंह उनका नाम था। उन्होंने यहाँ आकर के कहा था कि यहाँ बेरोजगारी है इसलिए सेना अधिक होती है। मैं, आपने व्यक्तिगत मुझसे पूछा तो व्यक्तिगत उत्तर देता हूँ, विरोध भी हुआ। संयोग से एक दिन एक कार्यक्रम था जिसमें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि थे, उनकी पत्नी मेजर गायत्री राठौड़ भी आई थी और मैं उस कार्यक्रम में था। मुझे माइक पर जब मौका मिला तो मैंने, हालांकि अमूमन यह होता है कि बड़ी राजनीतिक हस्ती होती है तो लोग उनके पक्ष में काव्य पाठ करते हैं, मेरी बात का आरंभ यहीं से हुआ कि राठौड़ साहब अपने मंत्री को जाकर के बता देना कि शेखावाटी की धरती के जवान बिना बारिश के भी धरती को रक्त की फुहारों से भिगोने की हिम्मत रखते हैं, आप स्वयं सेना से अपने मंत्री को समझाना। हालांकि ये बात कहना मुश्किल भरा भी था, माहौल भी तनावपूर्ण हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ये टेक लगाएंगे जब भी आप राष्ट्रभक्ति की बात करो कि साहब आप मोदी भक्ति की ओर जा रहे हैं, ये अपने आप में गलत है। जैसे तमिलनाडु के किसानों का मुद्दा आया तो हमने खिलाफ पोस्ट की, अभी भी एयर सर्जिकल स्ट्राइक से पहले मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा, मैंने ये लिखा कि तमाम लोग आपका पक्ष लेते हैं, आपका समर्थन भी करते हैं, लेकिन जितना लोग समर्थन करते हैं उतना विरोध में आते वक्त नहीं लगता यदि आप उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं। ये सब चीजें हैं, ये तो लोगों के अपने अपने चश्मे हैं सर, उन चश्मों से बाहर निकल नहीं पाते। सर 2 मिनट में आपको तकनीकी कारणों से रोकना चाहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर आवाज कम है, दीपक सर का भी मैसेज आया है, काफी लोगों का आवाज कम है। सुमित जी सर देखिएगा, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है आईटी डिपार्टमेंट से, फिर आगे हम परिचर्चा को जारी रखते हैं। अब ठीक है सर, आरंभ करें। बिल्कुल सही है जी सर, आवाज बढ़ा दी गई है आगे सर। सर वर्तमान में जो इस राष्ट्र के अंदर कुछ घटनाक्रम आयोजित हुआ जी, जिसको लोग प्रायोजित कार्यक्रम भी बता रहे हैं जी, एक विवाद का विषय भी है जी, और इस पूरे घटनाक्रम के मायनों को हम लोग देखें तो कुछ लोग चर्चा का मुद्दा इसलिए बना रहे हैं कि जैसा आपने शुरुआत की, एक सैनिक इस राष्ट्र के लिए शहादत का मुद्दा कभी नहीं बन सकता, सैनिक इस राष्ट्र के लिए देशभक्ति या सैनिक की देशभक्ति पर कभी विवाद नहीं किया जा सकता जी सर। और इस पुलवामा घटना से पहले इस राष्ट्र में एक सियासत मायने में ये माना गया था या अधिकतर लोग स्वीकार भी कर रहे थे कि इस राष्ट्र की सत्ता परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं जी, और बहुत से लोग महागठबंधन के माध्यम से क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत करना चाहते थे जी सर, और राष्ट्रहित को कमजोर करना चाहते थे जी, जो सब लोगों ने बाखूबी इस चीज को देखा भी है, सब लोग स्वीकार भी कर सकते हैं, सियासती मायने कुछ भी हो। ऐसे में जैसे ही ये पुलवामा घटना होती है, इस घटना के तुरंत बाद जब भारत सरकार प्रतिशोधक जवाब देता है
बहुत आक्रामक कार्रवाई की जाती है जी। अंतर्राष्ट्रीय जगत पर पाकिस्तान को हम काफी हद तक झुका लेते हैं जी। पर फिर भी न जाने पिछले 15 दिन से इस राष्ट्र के लोग सरकार विरोधी हैं, इस राष्ट्र के लोग इसे प्रायोजित कुछ लोग हाँ मैं कुछ ही लोगों तक आता हूँ सर, पर कुछ दिनों से एक वातावरण उत्पन्न हो रहा है कि एक प्रायोजित घटनाक्रम है जी। आप इस विषय पर क्या विचार रखते हैं? सर, जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ भारत के सीआरपीएफ के जवानों पर 14 फरवरी को, उसके थोड़े देर बाद में जो जैसे मोहम्मद है उसने खुद अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें वो जो अब्दुल अहमद डार जो आतंकी था, फिदायिन हमलावर था, जिसने सीआरपीएफ के काफिले से अपनी विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी टकराई, वो स्वयं कहता है कि हमने ये घटनाक्रम अंजाम दिया है और हम कश्मीर की आज़ादी की हालांकि वो बात नहीं करता है, वो कहता कि हम भारतीयों के घरों तक मातम पसरा देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं कि ये तो प्रायोजित कार्यक्रम था, सरकार ने करवाया, ये बड़ा दुखद है अपने इसके, आप में। मैं आपको रोकना चाहूँगा सर, इसके पीछे एक प्रमुख कारण आपने देखा होगा कि इस हमले के तुरंत बाद इस राष्ट्र के विपक्ष में भी ये साहस उत्पन्न नहीं हुआ कि वो सरकार विरोधी बन सके। मैं आपको इस चीज पर स्पष्ट कर सकता हूं कि राजनीति विरोधी होना चाह भी रही होगी तब भी सैनिक का मुद्दा होने की वजह से विरोध नहीं कर पाए, उनका राजनीतिक मायना था। लोग इसको प्रायोजित घटनाक्रम शुरुआत से इसलिए मान रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने आतंकवादी हमला किया उसका स्वयं का वीडियो जारी हुआ, जैसे मोहम्मद की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, और कल ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह घोषणा की है कि जैसे मोहम्मद ने यह बयान दिया है और उधर से भी उनके प्रवक्ता ने यह बयान दिया है कि आतंकवादी हमला हमारे तरफ से नहीं किया गया जी। पाकिस्तान की संसद के अंदर पाकिस्तान के नेताओं ने यह स्वीकार किया कि भारतीय एयरफोर्स ने कार्रवाई की, 60 किलोमीटर तक वो भारतीय सीमा पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर प्रवेश कर चुके थे जी। उन्होंने कुछ खाली जगहों में, हो सकता है वो अपनी राष्ट्र की साख बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो कि उन्होंने खाली जगहों में उन्होंने भारतीय सेना ने कार्रवाई की है। हमारा दावा है कि 300-350 आतंकवादियों को हमने खत्म किया, परंतु विवाद का विषय तब बना जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये घोषणा की कि इंडिया का अग्रेशन है भारत के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, और वहीं भारत ने अपना पक्ष ये रखा है कि भारत की एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक है, हमारा किसी भी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ विवाद नहीं है, आतंकवाद हमारी प्रमुख चुनौती है, हम इसे खत्म करना चाहते हैं, देश दुनिया इस मुद्दे पर भारत समर्थक है। पर विवाद इसलिए बना हुआ है कि 300 किलो आरडीएक्स आप कश्मीर जैसे सैन्य सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करवाते हैं जी। और अभी तक आप ये साबित नहीं कर पाए हैं कि ये आरडीएक्स किस तरह से भारत की सीमाओं में प्रवेश किया गया। हो सकता है कि उन राजनेताओं की वो सियासती मायने इन कारणों से पूरे हो रहे हों जी। सर, आप देखिए, पहले तो सर जो जांचें आ रही है उसमें आरडीएक्स 300 किलो ने 75 किलो की चर्चा हुई। मैं आपको एक घटनाक्रम की ओर याद दिलाना चाहूँगा कि जब भाजपा और पीडीपी की संयुक्त सरकार जम्मू कश्मीर में थी, महबूबा मुफ्ती वहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय कश्मीर का एक कायदा है कि वहाँ हर चेकपोस्ट पर गाड़ी चेक होती है, किसी भी व्यक्ति की गाड़ी हो वो चेक होती है। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया ने केंद्र सरकार को कहा कि आप ये जो गाड़ी चेक करते हैं इससे यहाँ की जनता में विद्रोह पैदा होता है जी। वो ये सोचते हैं कि हम पर तो विश्वास ही नहीं किया जाता, इसलिए आप ये प्रक्रिया बंद कीजिए, वरना पहले जब आर्मी का या बीएसएफ का या सीआरपीएफ का कौन भी निकलता था रास्ता सील कर दिया जाता था। अभी उस समय 3-4 दिन से हिमस्खलन चल रहा था, एक जगह इकट्ठा हो रखा था, वरना तो 1000 से ज्यादा जवान एक साथ चलते ही नहीं है, उस दिन काफी संख्या के अंदर जवान चल रहे थे, तकरीबन 2500 जवान थे। उस समय ये चीज बंद कर दी गई, उसका दुष्परिणाम हमें 14 फरवरी के तौर पर मिला। दूसरी बात, आपको एक घटनाक्रम याद दिलाऊं, तकरीबन 2016 या 15 का होगा जहां तक मुझे स्मरण है, एक गाड़ी निकल रही थी कश्मीर की सड़कों से, उसने पहली चेकपोस्ट तोड़ी, आर्मी के जवान ने रोकने की कोशिश की, नहीं रोका, दूसरी चेकपोस्ट तोड़ी, उसने गाड़ी नहीं रोकी, तीसरी चेकपोस्ट पे आर्मी के जवान ने फायर कर दिया, फायर खोल दिया, और फायर करने के बाद वो वहां राजनीतिक मुद्दा बना, उसमें वो लड़का मारा गया, और उसके बाद वो तीनों जवान आज आपकी तिहाड़ जेल में बैठे हैं, हिरासत के अंदर है। तो इससे क्या होगा, जब आप ढील दोगे आतंकियों के गढ़ में तो आपको तो झेलना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं खामी तो रही है, स्वाभाविक है, हमला हुआ। अब रही बात आपको हमले की बताऊं, ये जैसे मोहम्मद की, अब्दुल अहमद डार ने खुद स्वीकृति दी भाई हमने हमला किया, तुरंत बाद उसका वीडियो आया 6-7 मिनट का, यूट्यूब पे मिल भी जाएगा। अब मैं आपको बात दिलाऊं, 12 जुलाई 2018
12 जुलाई 2018 को आपके पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उस समय के, परवेज मुशर्रफ साहब, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि कश्मीर में पाक आतंक को बढ़ावा देता है। उनका आप यूट्यूब पे सुन सकते जी, हैं, पूरी ठीक है, दुनिया इस चीज से कश्मीर वाकिफ में है। पाक, उनका राष्ट्रपति ये कह रहा है कि कश्मीर में पाक आतंक को बढ़ावा देता है और लश्करे तैयबा को हमने कश्मीर में भेजा ही इसलिए है, वो स्वयं कहते हैं हमने ट्रेंड करके भेजा है। ये आपके पाकिस्तान का राष्ट्रपति कह रहा है। इमरान खान अभी वहां के प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान साहब के प्रधानमंत्री बनने की पहले की कुछ आप भाषण सुनिए यूट्यूब पे आकर के, वो उस समय के नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है। जब आपका 26/11 हुआ और हाफिज सईद वहां खुलेआम घूम रहा था, तो विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ भी बयानबाजी की। तो जब पाकिस्तान का एक तानाशाह ये स्वीकार कर रहा है कि हम वहां आतंकी भेजते हैं, फिर भी भारत के कुछ लोगों को दिक्कत है। और रही बात महबूबा मुफ्ती की दो भाषा शैली सर आप देखेंगे, जब वो सत्ता में होती है तो ऐसे लगता है कि कोई राष्ट्रभक्त हो, और जब वो सत्ता में नहीं होती उनकी है तो राष्ट्रभक्ति। एकदम खिलाफ जाती, मतलब उनकी भक्ति कहने के सत्ता सुख तक है। अभी सरकार ने जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया है, जी तकरीबन 60 खाते उनके सीज किए गए, 4500 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 350 से 700 उनके व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि हमें आशा है कि आने वाले कुछ दिनों में 370 बैन करने की सूचना सबको मिलेगी। अभी भी हमारी आशा बरकरार है। महबूबा मुफ्ती उसका विरोध कर रही है, जी। वो ये कह रही है कि 370 यदि हटा दी गई तो तिरंगा छोड़कर दूसरा झंडा थाम लेंगे कश्मीर के लोग। तो इनकी तो सर राजनीति अलगाववादी है। आपको कंधा, आपको एक वो हाईजेक भी याद रखना पड़ेगा, जब उनके विदेश मंत्री जी की बेटी को आतंकी ले गए थे और उसके बदले हमने 3 आतंकियों को छोड़ा था, और जब वो आतंकियों की गिरफ्त से छूट करके आई थी तो बड़ी हंसती मुस्कुराती आ रही थी, ऐसे नहीं लग रहा था कि वो आतंकियों की गिरफ्त से जी। बिल्कुल इसी मुद्दे पर मैं आपको कहना चाहता था, जैसा आपने कहा महबूबा मुफ्ती की राष्ट्रभक्ति, उनकी नहीं उनके संपूर्ण परिवार की राष्ट्रभक्ति पूरी दुनिया जानती है। वो उनकी बड़ी बहन ही थी जो उनका आतंकियों ने अपहरण किया था। मुझे उम्मीद है कि सब लोग जानते हैं इस मुद्दे को, और ये महबूबा परिवार की ही राजनीति थी। और जम्मू कश्मीर की सियासत को देखा जाए तो केवल महबूबा के परिवार से ही नहीं, अगर आप से एक अब्दुल्ला परिवार से भी देखेंगे तो ये क्षेत्रीय राजनीति सदैव भारत विरोधी ही रही है। ये केवल अपने मायनों तक सियासत को करना चाहते हैं। पर सर विवाद का विषय ये है कि जब मैं इस घटना से पहले जाना चाहूँ, ये मेरा व्यक्तिगत राय नहीं है, लेकिन जैसा इस सोशल मीडिया पर चल रहा और आपको बुलाने के पीछे जो उद्देश्य था, मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से इस सियासत में माना जा रहा था कि वर्तमान मोदी सरकार फेल हो चुकी है जी। और इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण भी हैं कि सियासत ने 100 से अधिक वादे किए, तो 80 वादे अगर इन्होंने पूरे किए हैं तो लोग उस 20 के पीछे ज्यादा बल दे रहे हैं। लेकिन सर आपको हल्की सी बात कहूं, अपेक्षाएं भी उन्हीं से होती है जो कुछ लायक होते जी। मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि इस राष्ट्र के 135 करोड़ लोगों में से हो सकता है चंद लोग इन 20 बातों करते हों, और उन 20 बातों को ही फेसबुक और एक सियासत के मायनों में फैला रहे हैं जी। दुनिया में 125 से अधिक राष्ट्र भारत समर्थक हैं वर्तमान में, 125 से अधिक राष्ट्र इस मोदी के नेतृत्व की दुनिया देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हमने एक परिचर्चा की है कि हमारा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। और मोदी के इस नारे को 2015 की सियासत से ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में देखा गया, पूर्वी राष्ट्रों को हमने आगे बढ़ाया। पर कुछ दिनों से वातावरण इस सियासत में उत्पन्न हुआ, और इस वातावरण से ये निष्कर्ष के तौर पर निकला कि सियासत में सत्ता परिवर्तन होने की संभावनाएं थी। सीबीआई को लेकर मोदी की छवि को बिगाड़ा गया, हालांकि स्वायत्तता का मुद्दा किस तरीके से पश्चिम बंगाल में निकला वो सबके सामने जग जाहिर था। हाँ, वो अपने आप और उस छवि से भी उसके बाद कुछ अन्य मुद्दों पर इन्हें घेरा गया। एक घटनाक्रम कुछ दिनों से चल रहा है, और वो घटनाक्रम ये है कि पुलवामा घटना से पहले मोदी विरोध की भावनाएं थी, इसमें 100% सच्चाई भी है, आप भी स्वीकार करते हैं जी। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अचानक इस राष्ट्र के कुछ जवानों पर हमला होता है जी। उस हमले के बाद मोदी दूसरे ही दिन ये घोषणा कर देते हैं कि पाकिस्तान ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है जी। और करारा जवाब दिया जाएगा जी। कुछ दिनों बाद चंद अगले ही दिन मैं आपको कहूँ कि 25 राष्ट्रों के अन्य प्रतिनिधित्व को दिल्ली में बुलाया गया, परिचर्चाएं की गई। अमेरिका जैसी एक ध्रुवीय शक्ति ने घोषणा कर दी कि भारत कुछ बड़ा करने के मूड में है जी। पाकिस्तान सियासती मायनों में दुनिया में अपने आप को संरक्षण ढूंढने लगा। अचानक 13 दिन होने के बाद इस राष्ट्र की सियासत बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई करती है। इस सैन्य कार्रवाई से भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनोबल बढ़ता है। लेकिन इस कार्रवाई से पहले अगर हम हमारे हिसारों को देखें तो हमारे मजबूत नेतृत्व ने सियोल में ये घोषणा कर दी थी
कि जो शांति पुरस्कार असली मायनों में आप मुझे दे रहे हैं, मैं चाहता हूं इस राष्ट्र के इस दुनिया की हर सियासत को मिले, और ये शांति तभी कायम होगी जब आतंकवाद खत्म होगा, आतंक को खत्म कर दिया, आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। उन्होंने अपने मायनों में उन्हीं दिन स्पष्ट कर दिया था। इस घटनाक्रम के बाद जैसे ही हमारा आपने देखा कि मिराज 2000 जो विवाद का विषय रहा था, उसकी सफलता की चर्चाएं होने लगी। मिग 21 जो विवाद का विषय था, घटना के बाद वो फिर से चर्चा का मुद्दा बन चुकी है, और पुराना होना इसके लिए चुनौती माना गया। F-16 जो दुनिया के अमेरिका का सबसे आधुनिक माना गया, उस आधुनिक को दुनिया ने आज देख लिया कि भारत के MiG-21 ने ही उस F-16 को मार गिराया और वो विवाद का विषय बन गया। कल इंडिया टुडे के प्रोग्राम में देश के सियासत के वजीर आलम ने ये स्वीकार किया, उन्होंने ये घोषणा की और उन्होंने कहा कि काश मेरे पास राफेल होता तो मैं आज की पूर्ण परिस्थिति को और सकारात्मक बदल सकता। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत की जनता मोदी समर्थक बनी और सही मायनों में स्वीकार भी किया गया कि देश मजबूत हाथों में है। जी सर। लेकिन कुछ लोग इसे इसलिए राजनीति से जोड़ रहे हैं कि ये घटनाक्रम होने के बाद लोग सत्ता पक्ष में हो गए हैं, तो आपकी क्या राय है, ये सियासत तक ही मायने रखती है या वास्तव में ऐसा कुछ घटनाक्रम है? नहीं सर, ये जैसे जो लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस घटनाक्रम के बाद ऐसा कुछ हो गया, उनका तो मानना सही भी है, क्योंकि उनका तो उसमें हित छिपा है। जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है भाई, उनका तो हित छिपा है, वो तो मानेंगे ही। रही बात आज, जैसे मैं एक शोध पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा गया, ये दिन प्रतिदिन आपको ऐसे नहीं लगता कि हम 26 को हमने हमला किया, 27 को हम जश्न मना रहे थे, 28 को अभिनंदन, शायद तारीखें सही होंगी, 28 को अभिनंदन को वहां हिरासत में लिया गया, उसके बाद ही एक एक दिन में ट्रेंड बदल रहा था। जी भाई, जिस दिन अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया उस दिन भारत में ये चल रहा था से नो टू वार, हम युद्ध नहीं चाहते, ट्रेंड कर रहा था, और पाकिस्तानी मीडिया उसको दिखा रही थी कि भारत के लोग सरकार के खिलाफ जा चुके हैं एक ही दिन में, जो पहले दिन जश्न मना रहे। इसका मतलब क्या है? सूचनाओं का तंत्र इतना बढ़ चुका है जिसकी सत्यता की तो कोई कसौटी होती नहीं, और कहीं ना कहीं देखा देखी का आलम है, इसलिए एक एक दिन में लहर बदलती है, एक एक दिन में घटनाओं का पूरा परिदृश्य बदलता है। इसीलिए लोग शायद सियासत का मायना कर रहे हैं कि जब हमारा मिराज आक्रमण करता है, पूरी जनता सत्ता पक्ष में होती है, फिर हमारी जो विपक्ष की राजनेता होते हैं वो इस हमले पर विवाद जैसे ही शुरू करना चाहते हैं। मैं शुक्रिया अदा देता हूँ उस भगवान का, उस पाकिस्तान का, कि हमारे विपक्ष के नेताओं के बोलने से पूर्व पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि 60 किलोमीटर तक हमारे यहाँ सेना ने तुम्हारी आक्रमण किया है, यह हमारा सौभाग्य था और हो सकता है विपक्ष के लिए चुनौती भी बना। मजबूरन उस दिन इस सियासत को समर्थन देना पड़ा और 21 विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एक बयान इस सियासत में दिया गया। हालांकि इस मायने को भी हमें नजरअंदाज नहीं लेकिन करना जब, चाहिए। जब राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे, उनके 2 ही मिनट बाद रणदीप सुरजेवाला क्या कहते हैं? जी, मैं उस बयान पर भी आता हूँ। 21 विपक्षी दलों ने भी ये घोषणा की कि ये भारतीय एयरफोर्स की बड़ी जीत है। कहीं ना कहीं वो इस मोदी को इस सफलता से दूर रखना चाहते। इसमें कोई आप कह सकते हैं कि उनका कायदा भी बनता, वो रखेंगे, वो विपक्ष है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती। ये विवाद तब पुनः उठ जाता है कि जैसे ही हमारा मिराज 21 दुर्घटनाग्रस्त होता है, मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त होता है, हमारा पायलट उनकी हिरासत में आता है, उस हिरासत के तुरंत बाद एक ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलने लगा कि हमें युद्ध नहीं चाहिए परंतु हमें अभिनंदन चाहिए। और फिर कांग्रेस की आप कहो या विपक्षी दलों की कहो, कि एक प्रोपगेंडा शुरू हुआ इस राष्ट्र के अंदर। वो प्रोपगेंडा ये था कि वो लोग चाहते थे कि कैसे भी कर इस वर्तमान सफलता की असफलता में परिवर्तित किया जाए, और एक हित था मात्र 6-7 घंटे में एक मुद्दा बनता है। वो मुद्दा ये होता है कि प्रधानमंत्री को हम वास्तविक शक्ति तब माने जब अभिनंदन रिहा हो। माना जाता, देश के वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री ने किसी तरीके की टिप्पणी नहीं की। नहीं की। अगले दिन 11-12 बजे देश का प्रधानमंत्री घोषणा करता है कि मैं पायलट प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। 4:30 बजे आते आते वो इस पायलट प्रोजेक्ट को पूरा कर देते हैं। जैसे ही अभिनंदन इस राष्ट्र में आता है तो लोग दो तरीके के विचार रखते हैं। एक तो उस विपक्ष को कोसते हैं जो परंपरागत अपनी रूढ़िवादी मोदी विरोधी नीति की वजह से या राष्ट्र विरोधी मुद्दों की वजह से चर्चा में रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये घटनाक्रम प्रायोजित इसलिए है कि सोशल मीडिया पर एक घटनाक्रम हुआ, लोग मोदी विरोधी थे, आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के तुरंत बाद देश के पक्ष में माहौल उत्पन्न होता है या सियासत के पक्ष में उत्पन्न होता है, फिर मोदी ये घोषणा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में होगा, मैं पूर्णतः कार्रवाई करूंगा। 13 दिन बाद कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के बाद उसको यहाँ तक राष्ट्र के मायनों में देखा गया।
पर अभिनंदन की रिहाई को लोग कुछ लोग जेनेवा संधि से जोड़ रहे थे जो इस पर अप्लीकेबल नहीं थी। मैं सर यहाँ कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको। जी जैसे आपका प्रश्न जो मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ मैं क्लियर करना चाहूँ, ठीक है, होता क्या है कि विपक्षियों को उरी हमले के बाद हमने जो स्ट्राइक की उस समय कुछ प्रश्न उठा कि हमें सबूत दिखाए जाए, और आपने सही कहा कि इस बार ईश्वर पक्ष में था कि पाकिस्तान ने पहले स्वीकार किया भारत के बजाय कि हमारे ऊपर स्ट्राइक हुई है। जी। उसके बावजूद ममता बनर्जी ने सबूत मांगे, केजरीवाल साहब ने विधानसभा के अंदर कुछ बातें कही जो बड़ी निंदनीय थी। मैं आपको कुछ बातें बताऊं, पाक की तरफ के कुछ बयान कहूं, पाक की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी, ठीक है, उन्होंने उस दिन बयान दिया कि आज रात 3:30 बजे हमारी इज्जत चली गई। पाक की विदेश मंत्री का बयान था कि आज रात 3:30 बजे हमारी इज्जत चली गई, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या है, एयर सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई है और भारत की आर्मी कह रही है कि हमने वहां कैंप नष्ट किए, डिस्ट्रॉय किए, ठीक है, और हमारे पास इसके सबूत हैं, मौका पड़ने पर हम इस बार सबूत भी देंगे। उसके बावजूद यहां प्रश्न खड़े किए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मोहम्मद खुद स्वीकार करता है, उनका वो अब्दुल अहमद डार जो स्थानीय आतंकी है, कि हमने हमला किया, उसके बावजूद प्रश्न खड़े होते हैं, ये भी अपने आप में सोचने का विषय है। अब मैं आपको बताऊं, पाक की संसद में पाक के वर्तमान रेल मंत्री शेख रसीद साहब बयान देते हैं कि भारत की तरफ से 14 पायलट हमारे जब्बा में आए। जब्बा उस जगह को बोलते हैं जहां बालाकोट है और जहां उनका मदरसा था। जी। पाक का विदेश मंत्री अपनी संसद में कह रहा कि पाक के 14 जहाज जब्बा में आए, जहां उनके शब्द देखना, जहां गालिबन अजहर साहब का आपका मदरसा था। जी। गालिबन शब्द मतलब वो उनको सम्मानजनक भाषा से कि अजहर साहब का वहां मदरसा था, ठीक है। आज एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाला भी है CNN टीवी की मार्फत से, उसमें अजहर का छोटा भाई, हमला हमने एयर सर्जिकल स्ट्राइक की उसके 2 दिन बाद वहां एक रैली को संबोधित करता है जिसमें अजहर खुद आने वाला था लेकिन वो नहीं आया। इसके भी कई मायने चल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि अजहर खुद उस हमले में मारा गया। वो खुद कहता है कि भारत के जहाजों ने, वहां अपनी भाषा में तैयारे बोलते हैं उनको, कि जहाजों ने हमारे मदरसे पर हमला किया, हमारे जवानों को मार डाला, हमारे इस्लाम के सिपाहियों को मार डाला, क्योंकि वो जिहाद के नाम पर उन बच्चों को भड़काते हैं। तो ये सब चीजें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी यहाँ प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, तो अपने आप में सोचने का विषय तो है। रही बात अभिनंदन की रिहाई के विषय में, कहें सर, आपने जिनेवा कन्वेंशन की बात की, जिनेवा संधि कहती है कि 8 दिन में प्रिजन ऑफ वार को रिहा किया जाएगा, ठीक है, ऐसा कहती है कि भाई जो युद्ध बंदी है उसको 8 दिन में रिहा किया जाएगा। अब सर कुछ गलतियां तो अब इतिहास की ओर भी देखना पड़ेगा। पहली बात तो कश्मीर विवाद है क्यों, हमें वहां भी जाना पड़ेगा, चलो छोड़िए। 1971 में हमारे पास एक मौका आया था कि हम कश्मीर के मुद्दे को निपटा सकते थे, खत्म कर सकते थे। पाकिस्तान के 93,000 लोग हमारे कब्जे में थे। उस दिन हम जब नेगोशिएशन टेबल पर आए तो हम जैसा चाहे शिमला समझौता हमारे पक्ष में हो सकता था, लेकिन सर गलती तो वहां भी हुई है। उस दिन ये मुद्दा निपट सकता था, ऐसा माना जाता है राजनयिकों के द्वारा। और सबसे बड़ी भूल मैं आपको एक और बताऊं, अभिनंदन की वापसी पर तो लोग केंद्र सरकार को कोस लेंगे कि इनका नहीं था, जिनेवा कन्वेंशन था, लेकिन मैं कुछ तथ्य देता हूं। 1971 में हमारे 54 सैनिक पाक ने बंदी बनाए, 93,000 हमने छोड़ दिए, लेकिन वो 54 हम नहीं ला पाए, उन 54 सैनिकों को हम नहीं ला पाए। 1971 में टाइम्स मैगजीन में मेजर AK घोष की फोटो छपी, तब जाकर के भारत को पता चला कि हमारे कुछ लोग वहां बंदी भी है। इतनी क्या जल्दी थी उस समय जीत का सहरा सर पे बांध देने की। 1974 में मेजर अशोक सूरी का पाक से उनके परिवार को खत आता है, तब जाकर के पता चलता है कि उनकी जेल में हमारा जवान जिंदा है। 1980 में BBC की लंदन की पत्रकार थी विक्टोरिया सोफील्ड, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी बुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन, जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी जेलें हैं जिसमें भारतीय 1971 युद्ध के युद्धबंदी हैं। यहां उन्होंने कहा, एक उस समय घटनाक्रम एक और भी हुआ कि हमारे कुछ कामगार जो ओमान में रहते थे, बाहर आज भी जाते हैं, वहां वो किसी अपराध के बस जेल में बंद कर दिया गया, तो वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो भारत का सैनिक था, पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाया गया और उस समय वो तत्कालीन जेल में था। और कम से कम दूसरे या तीसरे दिन अभिनंदन की रिहाई हो जाती है। लेकिन 1971 की बात बताऊं, भारत की अथॉरिटीज को 7 साल का वक्त लग गया ये स्वीकार करने में कि हमारे कुछ लोग पाकिस्तान के पास जेल में बंद है। उन जवानों की शहादत को देखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ तथ्य और दूं, 1979 में युद्ध होता है, 1979 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री समरेंद्र कुंडू लोकसभा में रखते हैं कि हमारे 40 लोग पाक के पास बंदी है, बाद में 14 नाम उनमें और जोड़ दिए गए। और 1989 तक, 1989 तक पाक मना करता रहा
कि हमारे पास आपका कोई बंदी नहीं है, लेकिन बाद में जाकर के इस्लामाबाद में जब बेनजीर भुट्टो की हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि आपके कुछ बंदी हमारे पास हैं, लेकिन बाद में परवेज मुशर्रफ ने उसको मना कर दिया। तो ये सरकार की विफलता रही है। और यहाँ तीसरे दिन दूसरे दिन अभिनंदन जब वापस आता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो पड़ा है। मैंने अपने फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं उन्हें कहना चाहूँगा, एक पाक मीडिया का बयान शेयर किया है मैंने वहाँ के एक आर्मी ऑफिसर का, जो अपने पाक सरकार से प्रश्न पूछते हैं और पूछते पूछते रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं की कि आप अभिनंदन को छोड़ दीजिए, और अभिनंदन को छोड़ने के एवज में आपने हमारी जेल में बंद, भारत की जेल में बंद कैप्टन हबीब खान को क्यों नहीं छुड़ा दिया? भारत सरकार ने तो कहा तक नहीं कि आप छोड़ दीजिए, उसके बावजूद वो छोड़ने में लगे हैं। क्या कारण था? कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तौर पर तो हम जीते हैं, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। पर जिस दिन अभिनंदन छूटता है उस दिन अमेरिका कहता है कि आज कुछ बड़ी खबर आने वाली है, इसका तात्पर्य क्या है? सोचना तो पड़ेगा। दुनिया इसीलिए इस मुद्दे को विवाद का विषय बना रही है। जैसा आपने 1971 की घटना की चर्चा की कि हम लोग 93,000 लोगों को रिहा करते हैं, राष्ट्र जल्दबाजी करता है और हम अपने 54 लोगों को नहीं छुड़ा पाए। पाकिस्तान की फितरत हमेशा ही धोखे की रही है, तो 54 लोगों का मुद्दा हो सकता है इस राष्ट्र के लिए बाद में मुद्दा बना हो। भूल भी गए हम तो लोगों को मालूम तक नहीं। जी बिल्कुल, आपको इसी मुद्दे पर एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने 93,000 लोगों को छोड़ा, हम किसी कश्मीर मुद्दे का हो सकता उस दिन समाधान कर पाते, कर सकते। डिप्लोमेटिक मुद्दे पर देखा जाए तो 1971 की जो युद्ध के बाद हमने शिमला समझौता 72 में किया था और 1973 में दिल्ली एग्रीमेंट के तहत 93,000 सैनिकों को हमने छोड़ा था। 72 में इस राष्ट्र ने उनको मजबूर किया घुटने टेकने को, आप ये कह सकते हैं कि आंशिक सफलता होगी, मैं पूर्णतः सफलता तो नहीं कहूंगा, पर इस राष्ट्र ने भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को द्विपक्षीय कराने में जरूर सहयोग दिया जी। जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। मैं आज के मुद्दे पर इसलिए आना चाहता हूं कि सर जिस जिनेवा संधि की बात कर रहे थे वो अभिनंदन पर लागू नहीं होती है, नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभिनंदन को प्रिजन ऑफ वार माना भी नहीं है सर। नहीं, मान भी नहीं सकते इसे, माना भी नहीं। आपने देखा होगा उसकी रिहाई से पहले 12 बजे इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उसके पीछे लोगों ने ये कहा कि एक तरीके का अग्रेशन है। उनकी पूर्व विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहा कि हमें अपील करनी चाहिए, हमें यूएनओ में अपील करनी चाहिए कि इंडिया की तरफ से एक अग्रेशन है। सवाल दुनिया इसलिए भी उठा रही है कि जैसा आपने कहा कि भारत की सियासत ने तो मांग भी नहीं रखी अभिनंदन की, उसके बावजूद उन लोगों ने रिहा करने का निर्णय लिया, तो लोग इसीलिए मान रहे हैं किस तरीके का कूटनीतिक प्रयास था या फिर एक प्रायोजित कार्यक्रम था? नहीं नहीं सर, कूटनीतिक के आज एक स्वीडन की पत्रिका के अंदर एक लेख छपा है जिसमें यहाँ तक कहा गया है कि भारत की एयरफोर्स ने इतनी तैयारी कर ली थी कि यदि उस रात अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाता तो पाक की एयर सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रह्मोस की तैनाती तक की गई। स्वीडन पत्रिका का आज का है, उसकी पुष्टि जो आगे आने वाले समय में देखी जाएगी। लेकिन फिर आपको ये भी पता है कि अभिनंदन की गिरफ्त, जो पाकिस्तान की गिरफ्त में आया उससे पहले उसके पास अमेरिका का F-16 था जी, और अमेरिका ने पाक को F-16 इस शर्त पर दिया था कि आप कभी भी किसी देश के विरुद्ध इसे उपयोग में नहीं ले सकते। पहली शर्त थी उनकी, आप केवल टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ F-16 का प्रयोग करेंगे। पाक को अपनी जनता के सामने अपनी फेस को बचाव करना था, अपने चेहरे का बचाव करना था, और भारत की सीमा में उनके 3 जहाज आए। हालांकि मीडिया खबरें 22 तक बता रही है, लेकिन आज कुछ सूत्रों से चर्चा हुई 3 जहाज आए उनकी तरफ से। और उस समय चर्चा तो यहां भी हुई कि हमने मिराज को क्यों नहीं भेजा, हमने MiG-21 को क्यों भेजा। तो मेरी आज कुछ चर्चाएं हुई, उनसे निकल करके आया कि हमेशा एक एयर पेट्रोलिंग चलती रहती है जी। उस समय अपने डेली रूटीन पर MiG-21 के विमान थे, ठीक है, और जिस समय वो आया तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम 6 मिनट के अंदर उसका वापस प्रत्युत्तर देता है। तो एक तो एयरबेस से उड़ करके जाता विमान, और एक जो पहले से मौजूद था, वही 1970 वो युद्ध वाली बात, बॉर्डर फिल्म वाली सी बात हुई कि हम जो हैं पहले हम प्रतिरोध करें, पीछे वाले आएंगे तब देखेंगे। उन्होंने तुरंत प्रतिरोध किया, एक F-16 को मार गिराया। 1960 का MiG-21 F-16 बड़ा विमान है, 2,000 करोड़ के तकरीबन इसकी कीमत आंकी जाती है, अत्याधुनिक हथियारों से लेश रहता है, लेकिन सर जंग हमेशा जुनून और होशनों से जीती जाती। अभिनंदन ने ये साबित भी किया। और उस समय होता क्या है कि एक दूसरे विमान का F-16 का हमारा एक दूसरा पायलट वो लॉक कर लेता है निशाना कि अब इस पे मिसाइल दागनी है, लेकिन उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, वो वापस रिवर्स चला जाता है। तो जब भी
एयरफोर्स की कोई स्ट्राइक होती, भले आर्मी की स्ट्राइक हो, कवर फायर चलता है, अभिनंदन को जब कवर फायर नहीं मिलता है तो उनकी मिसाइल के निशाने पर आता है। और पाक तो ये भी जुठलाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा F-16 था ही नहीं, हमारी आर्मी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाया है कि एमराम नाम की कोई मिसाइल है, वो केवल पाक का F-16 लेकर उड़ सकता है, और उस मिसाइल के टुकड़े हमारा जो कश्मीर है उसमें पाए गए हैं जब वो उनका F-16 डिस्ट्रॉय हुआ। तो अब अमेरिका ने भी आज जांच शुरू कर दी कि आपने F-16 को यूज क्यों लिया, भारत के खिलाफ कैसे यूज लिया, जबकि ये तो अनुबंध के प्रतिकूल था। परिस्थिति तो यहाँ ये भी बनी, जब दो पायलट लैंड करते हैं, एक तो पाकिस्तान का एक भारत का, दोनों एग्जिट करते हैं, दोनों पाक की जमीन पर उतरते हैं और अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और पाक का जो पायलट था उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही, उसको पाकिस्तान ने छिपा तक दिया है, एक शहीद को सम्मान तक नहीं दिया गया, उनका परिवार तक सामने नहीं आ रहा है। इन तमाम चीजों से पता चलता है कि पाक की क्या दशा रही और हमारा कितना कूटनीतिक प्रेशर। कूटनीतिक प्रेशर तो सर आप OIC में भी देख सकते हैं जी, जिसका फाउंडर मेंबर पाकिस्तान रहा, फिर भी भारत वहां का गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर के जाता है। पाक के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी उसका बहिष्कार करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, और हमारे सुषमा स्वराज साहिबा वहां जाती है, भाषण भी देती है, हालांकि वहां का रिजोल्यूशन जो पास हुआ केंद्र सरकार ने उसको डिनाई किया, वो बाद का विषय रहा, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पे तो हम आगे बढ़े, कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। कुछ लोग सियासती मायनों में से कूटनीति पाकिस्तान की तरफ से भी माना जा रहा है, जैसा आप जानते हैं कि पठानकोट आक्रमण के बाद ही इस राष्ट्र की तरफ से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की तरफ से एकमात्र आप कह सकते हो जो प्रिय राजनेता या जो शांति प्रिय राजनेता है, जो सदैव दोनों राष्ट्रों के बेहतर संबंध चाहता है, उन्होंने जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री जो उनके हैं उन्होंने नवाज शरीफ, हाँ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की शुरुआत मोदी शपथ समारोह के साथ ही रख दी थी, उसके बाद उनकी सियासत के बीच में मुद्दे बने। जैसा कि पूरी दुनिया इस मुद्दे को जानती है कि पाकिस्तान की सियासत में तीन लोगों का अहम योगदान है, वहाँ की सेना का, वहाँ के आतंकवाद का और वहाँ की सियासत का, पर सियासत में सबसे मजबूत नेता के तौर पर वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो पंजाब प्रांत से संबंध रखते हैं, और नवाज साहब ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए उफा समझौता भी किया, जो 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा था कि पाकिस्तान की तरफ से पहल रखी गई कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। मैं कूटनीतिक सफलता पर भी आता हूँ और मैं आलोचना पर भी आता हूँ जो इस मुद्दे पर हो रही है। कूटनीतिक सफलता ये थी कि नवाज शरीफ भी कहीं ना कहीं चाहता है कि पाकिस्तान में राजनीति स्थिर हो, वह भी चाहता है पाकिस्तान में विकास हो, क्योंकि पाकिस्तान की जनता तो अमन की वफादार रही होगी, वो तो आज भी विकास और शांति ही चाहती होगी। और नवाज शरीफ ने जब उफा समझौता किया, उस उफा समझौता के तहत नवाज शरीफ ने भारत के नरेंद्र मोदी को सहयोग दिया आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, वो एग्री हुए। इसी दौरान एक मुद्दा बनता है और मुद्दा यह है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से एक डोजियर इस राष्ट्र को दिखाया जाता है, या उनके सरदार अजीज कहते हैं कि मैं वार्ता करने आऊंगा और वो आतंकवाद के प्रमाण लेकर आएंगे कि बलूचिस्तान में आतंकवाद भारत बढ़ा रहा है। हाँ। भारत ने इस मुद्दे का स्वागत किया जी। उस घटनाक्रम के उसी दिन भारत एक आतंकवादी नावेद को गिरफ्तार करता है और भारत जिंदा डोजियर देने की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान की आलोचना हुई। लोग कहते हैं कूटनीतिक प्रयास भारत की तरफ से उसी दिन हो चुका था, और ये सही मायनों में देखा जाए तो ये पूर्णतः सत्य भी साबित हुआ है कि उस दिन से लेकर आज तक की घटनाक्रम में इस राष्ट्र के लोगों से भी साझा करना चाहता हूँ और आपसे भी, क्योंकि एक आपके विचार में होता है कि आपको सरकार का विरोधी होना है या मोदी विरोधी होना है। मैं सियासत में किसी का विरोधी नहीं हूँ, पर मैं राष्ट्र हित का सर्वोपरि सदैव सम्मान करता हूँ। मेरी राय में जी सर मोदी आते जाते रहेंगे जी, सत्ता कोई राहुल आएगा, कभी कोई मोदी आएगा, ये राष्ट्र है और ये राष्ट्र अजर अमर है। लोग विवाद में इसीलिए कर रहे हैं कि राहुल शायद नहीं आएगा, ये सियासत फिक्स हो चुकी है। ये बड़ा विषय है, इसीलिए विवाद कर रहे थे 50 साल का बच्चा, वो एक विवाद चल रहा था, लोग इसीलिए उनको सियासत को इस विवाद किया घटनाक्रम से जोड़ रहे हैं। कारण है वर्तमान प्रधानमंत्री ने उन परिस्थितियों को भी साथ में उत्पन्न किया है कि विपक्ष पूर्णतः समाप्त होता जा रहा है, हो सकता है अपनी नीतियों की वजह से हो रहा, हो सकता है कि विपक्ष केवल आलोचना तक ही सीमित रहना चाहता हो। राजनीति में वास्तविक मायनों में विपक्ष का तात्पर्य होता है सरकार को बेहतर मार्गदर्शन देना। हमारी सियासत ने 2014 से ही मोदी विरोध के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया सर, लेकिन पीड़ा क्या है कि ये मोदी विरोध के चक्कर में राष्ट्र विरोधी कब हो जाते हैं, इनको खुद को पता नहीं रहता जी। ये बड़ी पीड़ा का विषय है भाई। आप व्यक्ति की आलोचना कीजिए, मैं स्वयं करता हूँ,
आलोचना कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन का मौका भी आता है, उस समय तो खड़े होकर के अप्रिशिएट कीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, हमारे राहुल गांधी जी, मैंने धन्यवाद दिया, मैंने अपने पोस्ट में लिखा है कि उनका जो बयान आया कि हम सरकार सेना के साथ खड़े हैं, ये स्वागत योग्य बयान था। लेकिन कुछ लोग अपनी चाटुकारिता के चक्कर में इतने गिर जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनका सेनापति क्या कह रहा है। जब राहुल गांधी जी ये कहकर के निकलते, पीछे से सुरजेवाला जी तुरंत, मैं यहाँ तक कहूँ कि आपका पुलवामा अटैक के 10 या 15 मिनट में रणदीप सुरजेवाला का जो बयान था, बड़ा निंदनीय, आप सुनोगे तो आप सन्न रह जाओगे। जब देश ने अपने इतने बेटे खो दिए, उस समय वो व्यक्ति क्या कहता है कि सरकार में ये हुआ, वो विषय तब का नहीं था जब उनके पास सूचना पहुंच चुकी थी। तो ये तो बड़ा विडंबना था। सर, आलोचनाओं की बात की जाए तो जैसा हमारे राष्ट्र में माना जाता है कि दक्षिण की राजनीति सदैव समझदार और सकारात्मक रही है जी, पर इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी इसलिए भी घिर चुकी है कि या ये जो प्रायोजित घटनाक्रम, कुछ लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसको बढ़ावा तब मिलता है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ये घोषणा कर देते हैं कि इस घटना के बाद 25 में से 22 सीटें उनके फेवर में जाएंगी। जी जी जी। इसलिए ये बड़ा निंदनीय है, को एक मुद्दा मिल गया। ये बड़ा बड़ा निंदनीय है सर। उनकी ही बात नहीं, भाजपा के रामनगर से जहां तक मुझे याद है, सांसद हैं, उन्होंने यहां तक कहा था कि जवान तो मरने के लिए होते हैं। उस दिन मेरा कार्यक्रम था कहीं स्कूल में, तो मैंने बड़े कड़े शब्दों में निंदा की। कोई गलत करता है तो हमें निंदा करनी है, लेकिन कोई अच्छा करता है तो स्वागत योग्य भी होता है जी। हमें यहाँ इतना निष्पक्ष तो रहना पड़ेगा, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के केवल विरोध जी नहीं और केवल समर्थन जी नहीं। ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है, पढ़ने लिखने का तात्पर्य यही तो होगा कि हम मुद्दों की समझ तक जाएं, गहराई तक जाएं, फिर निर्णय लेते हैं। और सर, जहां तक मेरा अंतिम कंक्लूजन तो यही निकलता है, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र अच्छा विकल्प सुझाए या ना सुझाए, जरूरी नहीं कि राजनीति में सब लोग अच्छे हों, और राजनेता अच्छे होते ही नहीं, अमूमन ऐसा माना जाता है। हमारे महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, वारांगना इव नृपनीति अनेक रूपा, राजनीति वेश्या की तरह होती है, कभी मृदु भाषणी, कभी कटु भाषणी, तमाम चीजें होती है उसमें, लेकिन लोकतंत्र क्या कहता है, जो उपलब्ध है उनमें से तो अच्छे को चुना जाए जी। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज भाई, जो उपलब्ध है उनमें से अच्छे को चुना जाए। अब सर, राजनीति की राष्ट्र विरोधी वाली बात कहते हैं तो मैं जेएनयू की तरफ भी आता हूँ। जेएनयू में जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह, कश्मीर भी मांगे आजादी, उस दिन केरल की भी बात हुई थी, केरल भी मांगे आजादी, आसाम भी मांगे आजादी, ये तमाम घटनाक्रम हुआ। हालांकि बाद में वो केस 2-3 लोगों पर चला, मैं उनकी बात नहीं कहता, जिन लोगों ने नारे लगाए, हालांकि उनके नाम सामने आए या नहीं आए, अभी हाई कोर्ट के अंदर वो केस चल रहा है, दिल्ली सरकार अनुमति नहीं दे रही है, उसके बावजूद वो केस चलेगा। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब बच्चों ने तो सही किया। हमारे राहुल गांधी जी जाते हैं, वो भी कहते हैं कि बच्चों ने जो महसूस किया वो बोला। बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं, केरल भी आजादी मांग रहा है, आसाम भी आजादी मांग रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम करती है। और चाणक्य क्या कहते थे कि जब युद्ध काल का समय हो और कोई शत्रु की प्रशंसा करे तो वो राष्ट्र विरोधी, वो देशद्रोही। युद्ध काल में हमें अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ करके एक होना। अब हर घर से अफजल तो निकले या नहीं निकले, ये भारत के युवा हैं सर, हर घर से अभिनंदन जरूर निकले जी। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। जैसा कि आपने कहा कि लोकतंत्र में हमें विकल्प होते हैं, और इसी विकल्प की मैं बात करूं तो दुनिया के सटीक विश्लेषण 2013 के अंदर विश्व बैंक की रिपोर्ट में किया गया। 2013 की विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 21वीं शताब्दी या तो चीन की होगी या भारत की होगी। इसके पीछे मुख्य कारण माना गया इस राष्ट्र की युवा पीढ़ी, जो 2/3 युवा पीढ़ी है, परंतु वर्तमान वातावरण को देखकर आप ये सटीक तौर पर विश्लेषण कर पाएंगे शायद कि इस राष्ट्र की युवा आबादी ही वर्तमान में विवाद का विषय बनती जा रही है। जी सर, ये बड़ा बड़ा चिंता का विषय है। इस घटनाक्रम के बाद बताऊं तो शहीदों के विरुद्ध बोलने का साहस तो शायद किसी में नहीं था। वो मजबूरी भी है सर, वो मजबूरी भी है, वरना सर लोग शहीदों के खिलाफ भी बोले हैं। संसद हमले के अंदर जब जवान शहीद हुए और उनकी वीरांगनाएं किसी नेता के पास कुछ काम लेकर के गई थी, उस समय कहते हैं कि वो नेता घर के आंगन के बाहर सत्ता के मद में उन्मत्त होकर के पान खाते हुए, पीक थूकते हुए कहता है, 5 लाख तो भिजवा दिए और का चाहिए। तो लोग सत्ता के मद में उन्मत्त होकर शहादत का भी अपमान करते आए हैं, यहाँ शहीदों के कफन पे भी गोठाले हुए हैं, ताबूत गोठाला भी हुआ है। जी, इस पूरे घटनाक्रम में जैसे ही इस शहीदों के मुद्दे पर विवाद नहीं बनता है, पर उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई को लोग मुद्दा बनाते हैं, उस मुद्दे के बाद कहीं ना कहीं
इस राष्ट्र के अंदर युवा या अभिनंदन का जो आखिरी वीडियो आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया और पूरी दुनिया ये मान रही है कि कूटनीतिक तौर पर हमारी जीत हुई, जीत इसलिए हुई कि कोई जिनेवा संधि हमारी लागू नहीं थी, उसके बावजूद भारत का दबाव इस कदर भारी हुआ कि दुनिया के हर राष्ट्र ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। एक इस्लामिक समर्थन एकमात्र उनके लिए सऊदी से मिलना था, वो भी इस सम्मेलन के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सरासर धमकी दी थी कि हम भारत मुख्य अतिथि होगा तो हम बहिष्कार भी करेंगे, बहिष्कार किया और प्रासंगिकता पर सवाल भी उठेगा, पर भारत ने अपना प्रतिनिधित्व भी रखा। कहीं ना कहीं वह इस्लाम जो संपूर्ण दुनिया में बदनाम आतंकवाद के नाम पर, उस इस्लाम को हमने बेहतर छवि देने का प्रयास भी हमारी विदेश मंत्री ने किया। विदेश मंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया इस्लाम में लगभग बहुत बार ऐसा वर्णन हुआ है और इस्लाम कभी भी आतंकवाद नहीं सिखाता, ये नहीं सिखाता। कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर भारत को समर्थन मिला, पर ये युवा पीढ़ी आप कह सकते हो कि जिस अभिनंदन को जो लोग 12 बजे रिहा करने थे इस सोशल मीडिया के दबाव में, या मैं आपको कहूं कि ये जो भारत की मीडिया का कल्चर रहा इस मीडिया में ये प्रायोजित किया गया कि मोदी द्वारा प्रायोजित एजेंडा था, इस मीडिया में ये प्रायोजित किया गया कि इस राष्ट्र की तरफ से, क्योंकि जब आप वातावरण को देखोगे तो उत्पन्न किया गया कि एयरफोर्स की सफलता थी मोदी की विफलता थी, और जैसे ही आप देख रहे हो इस घटनाक्रम के बाद कुछ जवान और शहीद हुए हैं उनको लेकर विवाद बना हुआ है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर जब चर्चा की जाए तो ये युवा पीढ़ी का जो दबाव था या जो मीडिया की तरफ से दबाव था, अत्यधिक हीरो बनाकर दिखाया गया या इस तरीके से दिखाया गया कि पाकिस्तान सदैव बुरा करता है, हालांकि पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक जीतने को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया। और सर मैं ये भी कहूँ कि हमारी कुछ बचकानी हरकतों की वजह से पाकिस्तान इस 3 दिन के घटनाक्रम में मनोवैज्ञानिक तौर पे अंत में जीत की तरफ गया। मैं इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं बैकफुट पे आए हैं कि कूटनीतिक तौर पर हम सफल हुए हैं पर मनोवैज्ञानिक तौर पर हम पूर्णतः सफल हुए हैं, क्योंकि वह पाकिस्तान जो राजनीतिक मायनों में अपनी विश्वसनीयता खो चुका था, अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति बढ़ाने को लेकर उनकी चर्चा हो रही है, परंतु भारतीय मीडिया ने जिस तरीके से दिखाया, जो सोशल मीडिया पर पहले से चीजों को आंकलन करने की प्रक्रिया इस राष्ट्र में वर्तमान में चल रही है, शायद यही हमारे लिए चुनौती बनी। और वह जवान जो पहले एक वीडियो जारी करता है बड़ा बेखौफ होकर वहां अपना पक्ष रखता है, और एक विवाद का विषय तो तब बना जब पाकिस्तान की तरफ से एक प्रमुख ट्वीट किया गया कि हमारी आर्मी के मेजर ने आपके विंग कमांडर से पूछा कि आप किस मिशन पे आए हो, तो उनका जवाब था कि आई एम नॉट सपोज टू रिप्लाई यू। उसके बाद उनसे ये पूछा गया आप कहां से रहते हो, तो उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया, मजबूरन उन्होंने जी। लेकिन भारत की मीडिया ने चंद घंटों के बाद पूर्णतः रिपोर्ट जारी कर दी कि उनकी पत्नी का नाम क्या है, वो किस फोर्स में काम करती हैं, और राष्ट्र की सेना की आप कह सकते हो खुफिया न्यूज को हम लोगों ने काफी हद तक सार्वजनिक कर दिया। सर पठानकोट हमले के समय एक चैनल ने तो पूरी चीजें दिखा दी थी, फिर बाद में कोर्ट ने बैन किया। इसी चीज पर मैं आपसे चाहता हूँ, इस युवा पीढ़ी को आपका क्या संदेश है जो अभी से एक प्रक्रिया फेसबुक पर शुरू कर चुकी है कि जैसे मोहम्मद को इस भारत सरकार ने खत्म कर दिया है। जहां तक मेरा विश्लेषण कहता है कि इस्लामिक दुनिया का दबाव पाकिस्तान पर बढ़ेगा, कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान असफल हो चुका है, एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, और आपको याद हो तो जब वहां की सियासत हमारे अभिनंदन को रिहा कर रही थी इसी दौरान पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, यह साबित करता है कि सेना सत्ता के नियंत्रण में नहीं है, यह साबित करता है कि सेना सियासत को विरुद्ध रहना चाहती है। वह इमरान खान जो एक मोहरे के तौर पर प्रधानमंत्री चुना गया था, वो अपने आप को मजबूत करने के प्रयास कर रहा है, आज वहां की सियासत उनके साथ खड़ी है, ये बहुत मायने रखता है। आपने सुना होगा कि उनकी सियासत ने उनके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार की मांग की है, वहीं सेना की तरफ से निरंतर सीज फायर हो रहा है, अभी भी कश्मीर घाटी में इनकाउंटर जारी है। पर ये युवा पहले से जो आंकलन कर रहा है, या जैसे मैं आपको कहूं कि कहीं ना कहीं ये 5-7 दिनों में जो इस राष्ट्र ने सफलता प्राप्त की है इन चुनावी मुद्दों की वजह से, मात्र 2-3 दिनों में इसे विवाद का विषय बना दिया जाएगा, और राजनीतिक लोग इसे सफल भी इसलिए हो रहे हैं कि हम युवा भटक रहे हैं। तो इन युवाओं के प्रति आपका क्या संदेश? सर अब आपने 2-3 चीजें कही है, मैं उनको सिलसिलेवार अपनी बुद्धि के अनुसार कोशिश करता हूँ। इस्लाम की चर्चा हुई, इस्लाम और आतंक की बात हुई जी, युवा पीढ़ी की बात हुई, अभिनंदन की रिहाई का विषय उठा, इमरान खान और पाकिस्तान का विषय उठा। जहां तक इस्लाम का विषय है कि तमाम आतंकी कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, लोगों के मन में प्रश्न भी खड़ा होना होता है, और कहीं ना कहीं गद्दारी भारत के भीतर से होती है, हम बाहर के दुश्मनों से तो निपट लेंगे,
भीतर के जो दुश्मन है उनसे निपटने में चुनौती है। पर जिस दिन ये हमला हुआ उत्तर प्रदेश के एक जगह से दो जैश के आतंकी गिरफ्तार किए गए, वो एक किसी मदरसे में अध्ययन कर रहे थे बिना एडमिशन के, तो प्रश्न भी वहां से खड़े होंगे। रही बात जब इस्लाम का विषय होता है तो हमारी सुषमा स्वराज साहब ने वहां कहा कि दुनिया में मुसलमानों की संख्या भारत में बहुत काफी बहुत ज्यादा है। और सर आपको आश्चर्य होगा, कुछ लोगों ने जब कहा था ना भारत में असहिष्णुता है, उस समय एक बयान आया तो मैंने उसको अध्ययन किया, इस्लाम की जितनी शाखाएं हैं जी वो किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है। सुनने वाले लोग भी ध्यान से सुने, इस्लाम के जितने भी उपभाग हैं भाई सिया सुन्नी, फिर उनके डिवाइडेशन सूफीवाद के सुहरावर्दी चिश्ती आपके नक्शबंदी देवबंदी सतारी जितने भी संप्रदाय हैं वो विश्व के किसी भी एक देश में नहीं है, सब एक जगह हिंदुस्तान में। ये भारत की सहिष्णुता का परिचय है जी। ठीक है, मैं यहाँ तक कहूँ ईसाई धर्म के भी जितने जितने उपविभाग है वो सब भारत में है जी। और रही बात इस्लाम की, इस्लाम सर कभी भी आतंक नहीं सिखाता, धर्म कभी आतंक नहीं सिखाता। हम जब धर्म की व्याख्या करते धर्म जोड़ने का कार्य करता, संप्रदाय तोड़ने का कार्य करता है। तो ये विवाद धार्मिक न होकर के सांप्रदायिक है, धर्म तो विषय का अलग विषय है। रही बात इस्लाम की जब हम चर्चा करें, हमारे कुरान शरीफ में एक जगह आता है कि जब नमाज अदा की जाती तो नमाज से पहले वजू की जाती है, और वजू के लिए जब जल उपलब्ध ना हो और मुल्क की मिट्टी से वजू कर ली जाए तो अल्लाह के दरबार में नमाज आपकी कबूल हो जाती है, स्वीकार हो जाती है। तो कहीं ना इस्लाम कभी भी ये चीजें नहीं सिखाता, लेकिन कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, अपने स्वार्थों की पुष्टि के लिए कुछ पाक परस्त लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं, उनसे उनका राजनीतिक बैकग्राउंड तय होता है। आपको यहाँ मैं ये भी याद दिलाऊं, कुछ दिनों पहले कश्मीर जल रहा था, पत्थरबाजी चल रही थी, तकरीबन 3-4 महीने सब कुछ बंद रहा, सब स्कूलें बंद रही साहब, लेकिन एक स्कूल चालू रही जिसके अंदर गिलानी साहब की पोती पढ़ती है जी। गिलानी जो अलगाववादी नेता है उनकी पोत्री वहां पढ़ती है। और मैंने साहब शब्द इसलिए उपयोग में लिया कि इन तमाम गिलानी जैसे लोगों को भारत की सरकारें आज तक प्रोटेक्शन देती आई है, इन पे करोड़ों रुपए इनकी सुरक्षा में खर्च होते हैं। हालांकि मैं सरकार को वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा, इन तमाम लोगों की सुरक्षा हटा ली गई है, ये विषय है। ठीक है, तो उस समय वो एक स्कूल चालू रहती है, मतलब ये लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए काम करते हैं, ना इन्हें धर्म से मतलब होता है ना किसी अपनी कौम से मतलब होता है, ये अपना व्यक्तिगत उल्लू सीधा करते हैं। और जब चर्चा ही हो इस्लाम की तो मैं दो एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे अशफाक उल्लाह खां जब शहीद शहादत प्राप्त की देश की आज़ादी से पहले उन्होंने, और जब उनको फांसी देने का वक्त आया तो अंग्रेज अधिकारी ने उनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, भारत का मुसलमान कैसा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरा मजहब मुझे पुनर्जन्म की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इस्लाम में पुनर्जन्म का विधान नहीं होता, लेकिन यदि जन्नत में खुदा से मुलाकात हुई तो मैं मांगूंगा हिंदुस्तान में जन्म दे दे, मैं फिर से मरना चाहता हूँ, ऐसा है हिंदुस्तान का ये। लेकिन ये कुछ प्रोपोगेंडा चलता है और व्यक्तिगत हितों की पुष्टि के लिए चलता है, तो ये विषय तो यहाँ हम छोड़ते हैं। दूसरी बात आते हैं पाकिस्तान की ओर। पाक में जो इमरान खान साहब जो प्रधानमंत्री बने हैं, इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये क्लियर हो गया था कि पाक के अगले प्रधानमंत्री इमरान खान ही होंगे जी। और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ को हटाने के पीछे एक कारण ये भी रहा कि भारत और पाक कहीं ना कहीं करीब आ रहा था, पठानकोट हमले कारण ये था कि भारत और पाक मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब मुद्दों को एक सही दिशा में लेके जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनका सोल्यूशन की तरफ वो लोग जा रहे थे। जब वाजपेयी साहब सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे तब हमारे संसद पर हमला हुआ था जी। और ये पठानकोट पर हमला हुआ और ये आर्मी के हैंडओवर में चलता है। रही बात अभिनंदन की रिहाई के विषय में भी मैं कहूँ, 12 बजे का वक्त, 10 बजे का वक्त था, फिर 12 बजे का वक्त था, फिर 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, फिर रात को 9 बजे अभिनंदन की वापसी हुई, और कहते कि इमरान खान उस समय स्वयं लाहौर में थे। ये सब पाक सेना के जो कमांडर है बाजवा साहब उनके कारण हुआ। पाक आर्मी ये दिखाना चाहती थी, उस समय कह रहे थे लोगों का जो हमारे रक्षा विशेषज्ञों का बयान था कि इमरान खान पर इतना प्रेशर है कि उन्होंने घोषणा तो कर दी है उसको छोड़ देने की, लेकिन पाक आर्मी और आईएसआई का बड़ा प्रेशर है, और ये टाइमिंग इसलिए डिले किया जा रहा है कि ये लोगों में सख्त संदेश चला जाए कि इमरान खान अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब बाजवा कहेगा तभी अभिनंदन भारत में आएगा। और अभिनंदन को भारत को सौंपने के पीछे पाक ने जो तय किया था उस शाम का समय तय किया था, बिटिंग जो रिट्रीट सेरेमनी होती है वाघा बॉर्डर पर, वो टाइमिंग इसलिए दिया गया कि वो दिखाना चाहता था पूरी मीडिया के सामने कि एक पीस जेस्चर की तरह हम भारत का अभिनंदन को सौंप रहे हैं, और भारत के युवा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएं। इसी मुद्दे पर सर मैं आपको एक रोकना चाहूंगा,
कि जैसा आपने कहा कि उन लोगों ने इस सियासत को पूरी दुनिया में दिखाने का प्रयास किया वो सफल भी हुए हैं हमारे लोगों के कारण। मेरी राय में किसी भी राष्ट्र के लिए जरूरी भी होता है, वो अपनी अपनी जगह सही है, बिल्कुल जायज है। पर इस राष्ट्र में एक विवाद का विषय इसलिए बना कि ये राष्ट्र एक तरफ सरकार, युवा, पूरी मीडिया ये साबित कर रही है कि अभिनंदन साहसी था, अभिनंदन एक महान व्यक्ति है और उस पर किसी को शंका भी नहीं है, शंका भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वहां जवाब दिया पाकिस्तान की सेना को, बड़ा साहस का कार्य था और दुश्मन के क्षेत्र में रहकर इस तरीके का जवाब देना अपने आप में एक बड़ा साहस का कार्य है। पर इस सियासत ने जब उनकी तरफ से 4:30 का ये समय रखा गया और फ्लैग सेरेमनी के दौरान वो चाहते थे रिहा किया जाए, पर भारत की सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया कि भारत फ्लैग सेरेमनी नहीं रखेगा। लोग ये भी चाहते हैं कि दोगला रवैया क्यों, तो मैं आपकी इस मुद्दे पर भी टिप्पणी चाहता हूँ। सर, पाक के प्रति जो प्रतिशोध का भाव हमारे भीतर पैदा हुआ जी, वो कहीं ना कहीं आप ये नहीं देखते कि अभिनंदन की रिहाई के बाद कहीं ना कहीं कम हो चुका है? जिस समय पाक दिखाना चाहता है पीस जेस्टर के तौर पर अभिनंदन को रिहाई की गई, लेकिन जिस दिन अभिनंदन की रिहाई की गई उस दिन लगातार सीज फायर का उस दिन 35 बार उल्लंघन किया गया पाक की ओर से। जी बिल्कुल, 35 बार सीज फायर का बॉर्डर पे उल्लंघन किया गया, उसमें हमारे जवानों की शहादत हुई है, एक बूढ़ी महिला की मृत्यु हुई, एक छोटी बच्ची भी मारी गई उस पूरे हमले में, लोगों के घर उड़ गए। तो कहीं ना कहीं पाक का दोगलापन है और भारत सरकार ये नहीं चाहती थी कि पाक की मजबूरी थी अभिनंदन को लौटाना, और पाक उस अभिनंदन के पीछे मसूद अजहर को बचाना चाह रहा है, हाफिज सईद को बचाना चाह रहा है, पूरे आतंकवाद को बचाना चाह रहा है। दूसरे दिन उनका दोगलापन तो सब सामने आ रहा है, दूसरे दिन वो आपके नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य तो साफ होता दिखाई दे रहा है। और पाक का जो प्रोपोगेंडा था अंत में अभिनंदन से, आज अभिनंदन ने स्वीकार किया है कि मुझे मानसिक प्रताड़नाएं दी गई, और मानसिक प्रताड़नाएं देकर के उनसे ये कहलवाया गया भारत की मीडिया के खिलाफ, ये तमाम चीजें हुई, कहीं ना कहीं हमारा युवा उसका शिकार नहीं हुआ क्या? हुआ है कि यहाँ इमरान खान के तारीख में कसीदे गढ़े जा रहे थे और कि साहब वो तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सिद्धू साहब ट्वीट कर रहे हैं, आज दिग्विजय सिंह साहब बधाई दे रहे हैं, और उसमें पाक कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पे जीत गया। इसके पीछे सर, इस युवा के साथ मेरा ये मानना है कि प्रोपगेंडा चलता है इस राष्ट्र में, मीडिया का भी, कुछ लोगों का भी, इसको बढ़ावा देना। जैसे आपको याद हो तो उस दिन जब पाकिस्तान की तरफ से 3 फाइटर प्लेन भारत की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, हाँ, उस दिन उसके चंद 15 मिनट बाद इस राष्ट्र के बड़े बड़े न्यूज चैनल एक न्यूज चलाते हैं, हो सकता है वो TRP का मॉड्यूल रहा होगा, पर मेरी राय में ये राष्ट्र के लिए चुनौती बना। उन्होंने 15 मिनट में एक न्यूज चला दी जो पूर्णतः फेक है, जो आप भी स्वीकार करेंगे, दुनिया का हर आदमी स्वीकार करेगा कि पाकिस्तान में तेल की किल्लत आ चुकी है, और ये सब चीजें तुरंत पाकिस्तान की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है तेल को लेकर, ताकि भारत पर बड़ी कार्रवाई की जा सके। कहीं ना कहीं अजहर महसूद को लेकर जो आज शायद से न्यूज चल रही है, और अभी तो ये हर न्यूज चैनल का हिस्सा बन चुकी है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, यही एक कारण है कि ये युवा भटक रहा है कहीं ना कहीं, जल्दबाजी का शिकार है। इस जल्दबाजी में ये साबित किया जा रहा है कि वो अपना एक मिडल अप्रोच अपनाते हैं, जो एक बुद्धिजीवी तो समझ पाता है कि हाँ क्या कहना चाहते हैं, पर एक सामान्य व्यक्ति साइड पकड़ नहीं पाता। एक हेडिंग ऐसी होती है, मारा गया अजहर महसूद, उसके बाद उसके विश्लेषण किया जाता है कि इस तरीके से एक दावा सा किया जा रहा है, अभी इस खबर की पुष्टि नहीं है। तो इस राष्ट्र के युवाओं के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती इस राष्ट्र की मीडिया की संस्कृति बनती जा रही है। कुछ लोग मोदी के कट्टर विरोधी हैं, कुछ लोग मोदी के समर्थक, वो उनके खिलाफ नहीं सुन सकते, वो उनके पक्ष में नहीं सुन सकते, ये दोनों ही घातक है सर। यही हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि इस राष्ट्र के लिए एक निष्पक्ष मीडिया होना जरूरी था, एक निष्पक्ष मार्गदर्शक होना चाहिए। सर, मीडिया के संदर्भ में तो ये भी कहा जा सकता है, देखो मीडिया कहीं ना कहीं अपने आप में भूमिका निभाता है। वियतनाम पर जब हमला हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व युद्ध के दौरान जी, तो वियतनाम ने अपनी मीडिया के बलबूते अमेरिका को युद्ध नहीं जीतने दिया। उस समय ऐसे देशभक्ति के तराने चले, ऐसे वो उस समय प्रिंट मीडिया हुआ करता था और ऐसी वीर गाथाएं कही गई कि महिलाएं तक युद्ध क्षेत्र में जाती थी, बच्चे सैनिकों के लिए खाना लेकर के जाते थे, हम सब ये चीजें पढ़ते आए हैं। लेकिन उसी दिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जी, हेलीकॉप्टर के अंदर 2 जवान शहादत प्राप्त करते, सिद्धार्थ वशिष्ठ और विक्रांत सहरावत जी। ठीक है, ये सिद्धार्थ वशिष्ठ जो है केरल में जब बाढ़ आई थी तो उनको विशेष पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनकी पत्नी आरती ये भी एयरफोर्स में है, ये अपनी पूरी वर्दी के अंदर अपने पति के पार्थिव शरीर को वहां लेके आती है, तमाम चीजें होती है, लेकिन मीडिया की खबरों का ये चीजें हिस्सा नहीं बनी। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा और जो युवा सुन रहे हैं उन्हें भी कहना चाहेंगे, मीडिया में सुधार की आवश्यकता है। कलाम साहब एक बार सर किसी विदेश दौरे पे थे, दृष्टांत देना चाहूंगा जी। और जब वो विदेश दौरे पे थे उस दिन वहां कोई हमला हुआ,
हमला हुआ, कुछ लोग मारे गए, उन्होंने जिक्र किया अपनी पुस्तक में, लेकिन उस दिन वहां के अखबार के मुख्य पृष्ठ पर उस हमले की चर्चा नहीं थी। अखबार के मुख्य पृष्ठ पर एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा थी जिसने वहां की बहुत सी एकड़ बंजर जमीन को हरितिमा युक्त बना दिया, कुछ वृक्ष उगा दिए। मतलब कहीं ना कहीं सकारात्मकता को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम कहीं ना कहीं नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं। रही बात युवा, कहीं ना कहीं दिशाबोध के अभाव में, जिसका कारण एक बेरोजगारी भी हो सकता है, दिशाबोध का अभाव भी है, एक उतावलापन भी है, और इसका सर अब आप हाथ से हंसेंगे, इसका मुख्य कारण जियो का फ्री लेकिन मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा सर, जहाँ तक एक अपनी उनसे विनती रहेगी या शिष्यों को हिदायत रहेगी, वो यही रहेगी कि इफ यू आर एजुकेटेड देन यू शुड अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं, समझ करके खबरों की बारीकी को जांच करके आप पढ़ें। सर आप एक चीज देखिए, आप डीडी न्यूज पर जाकर देखिए, वहाँ युद्ध नहीं चल रहा। जी बिल्कुल। आप लोकसभा चैनल पे जाइए, वहाँ युद्ध नहीं चल रहा। वो आप राज्यसभा चैनल पे जाइए, आप युद्ध नहीं चल रहा। और बाकी मीडिया हाउस तो युद्ध का वॉर रूम बना करके बैठते हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया का एक माइंड सेटअप ये भी है कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। सामने वाला उसके प्रतिकूल जब बयान देता है तो वो उसको वहीं टोक देते हैं। सबका अलग अलग प्रोपोगेंडा है। आप जी न्यूज पे जाओगे तो वहाँ सरकार ने सब कुछ अच्छा किया। जी बिल्कुल। आप रवीश कुमार साहब के पास जाओगे तो सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं किया। ये दोनों ही चीजें गलत है। कुछ अच्छा किया है तो अप्रिशिएट कीजिए, कुछ गलत किया है तो आलोचना कीजिए। ये दोनों ही चीजें लोगों को मिसगाइड कर रही है। बिल्कुल, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ, जैसे राहुल गांधी साहब कहते हैं मैं सरकार के साथ हूँ, वो कहते हैं हम सेना के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं, लेकिन उनके नीचे के तंत्र के लोग उनके पक्ष में जाकर के नहीं खड़े होते। ये कहीं ना कहीं चाटुकारिता का विषय भी है। ये चाटुकारिता का विषय भी है। और चाटुकारिता कौन करता है? जो अयोग्य होता है या असक्षम होता है या जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता है। तो युवाओं को राष्ट्रभक्ति का विषय तो है और राष्ट्रभक्ति की ओर आना भी होगा। और राजनीति भी, हमारे चाणक्य कहा करते थे, सरदार भगत सिंह स्वयं कहते थे कि यदि आपको राजनीति को पवित्र करना है तो राजनीति में आना पड़ेगा। चाणक्य ने कहा कि जिस देश का युवा राजनीति में नहीं आता वो देश गर्त में चला जाता है। ये तमाम चीजें उनके द्वारा कही गई, लेकिन एक स्वच्छ राजनीति की परंपरा की ओर सबको बढ़ना पड़ेगा। और ये पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, हालांकि आर्मी ने कहा है कि हम उसके सबूत भी देंगे, तमाम चीजें पाक ने खुद ने स्वीकार कर लिया है, और आज कुछ सैटेलाइट फोटोज भी जारी हो गई है, तमाम चीजें। तो भारत का जो बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व है ये स्वीकार करना पड़ेगा। और मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक पटल पर जो सम्मान बढ़ा है, ये हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा और इसकी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी। मैंने कहा लोकतंत्र अच्छे का विकल्प दे या न दे, लेकिन जो उपलब्ध है उनमें से अच्छे का विकल्प देता है, बेहतर चुनना ही चाहिए, ये हमारा कहना है। सर मैं एक इस मुद्दे पर आपकी चर्चा चाहूंगा कि कुछ मेरी राय में ये भी एक स्पष्ट कारण रहा है इस राष्ट्र में कि युवाओं को सही और सटीक जानकारी हम लोग उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। जैसा 2002 में मोदी की छवि पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर बिगड़ी कि जो वहाँ मुस्लिमों विरुद्ध हुआ, आज भी वो जांच का विषय रहा है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दी है, परंतु एक अंतर्राष्ट्रीय जगत पे कहो या घरेलू जगत पे, मैं आपको कहूं कि एक मुद्दा सा बन चुका है, वो मुद्दा ये है कि मोदी इस्लाम विरोधी है। लेकिन सर कहीं ना कहीं वो तिलिस्म टूट चुका है पिछले कुछ दिनों। मैं आपको उसी मुद्दे पर आना चाहता हूं। अरब के देशों ने उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, उसी मुद्दे पर मानना चाहता हूँ कि सर जैसे हम लोग क्या है कि एक सटीक विश्लेषण, एक बुद्धिजीवी तो इन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करता है, पर इस राष्ट्र का बेरोजगार युवा मेरी राय में जो सोशल मीडिया या फेसबुक से प्राप्त करता है उसी पर अटक जाता है। जैसा 2002 में ये मुद्दा उठा और उसके बाद 2014 तक निरंतर मोदी हिंदू विरोधी था, मुस्लिम विरोधी सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदुत्व की छवि अपनाई गई। राजनीतिक मायनों में देखा जाए तो निजी जो भी दृष्टिकोण रहा होगा विवाद का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता प्राप्त करना हर राजनेता का उद्देश्य होता है। और मेरी मेरी राय में ये गलत भी नहीं है, क्योंकि सत्ता में जैसा आपने कहा कि जो उपलब्ध है उनमें से बेहतर चुनना जरूरी है। और उस सियासत के बाद जैसे ही 2015 में मोदी ये जानता था कि इस राष्ट्र के जितने वादे उन्होंने पूरे जो किए हैं वो पूरे तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक इस राष्ट्र की ऊर्जा नीति मजबूत नहीं हो, इस राष्ट्र का आतंकवाद खत्म नहीं हो, और इन दोनों ही मुद्दों पर हमें पाकिस्तान विरोध की गतिविधियों को बढ़ाना था और हमें इस्लाम की दुनिया का समर्थन लेना था। मैं आज उन युवाओं से भी इस मुद्दे पर चर्चा चाहूंगा कि जो इस मोदी को इस्लाम विरोधी बताते हैं,
उस व्यक्ति ने राष्ट्रहित को प्राथमिकता देके, क्योंकि मेरा यह मानना है कि व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है वो कट्टर हिंदू हो, गलत भी नहीं है, और कट्टरता कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन बाकी आप निजी तौर पर हो सकता है कि ऐसा उनका समर्थन हो, पर जैसे ही वो राष्ट्र के सर्वोच्च पद पे बैठते हैं राष्ट्रहित को वो प्राथमिकता देकर 2015 में यूएई में वो मस्जिद में झुक जाते हैं, और उनका मस्जिद में झुकना इस राष्ट्र के लिए इस कदर साबित होता है कि आज हम दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। शायद सत्ता लोग परिवर्तन इसीलिए भी चाहते हैं कि आगामी 5 वर्ष मोदी के नेतृत्व में देखे जाएंगे, लोगों तो की विपक्ष पूर्णतः समाप्त भी होगा, विपक्ष समाप्त हो या ना हो, लोग ऐसा मानते हैं कि आगे वाले 5 साल का अधिकारी तो मोदी जी हैं। कारण क्या मानते हैं? लोगों का ये मानना है कि ये राष्ट्र मजबूत होगा। शायद उसी ट्रेंड को तोड़ने का सर प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए मैं इस न्यूज एनालिसिस पे भी आना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे भी आना चाहता हूँ कि लोग सटीक चीजों को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आज भी इसे इस्लाम विरोधी बताया जाता है, पर आपने देखा सऊदी अरब ने अपनी राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा, उनके बाद अफगानिस्तान के लोगों ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को जब हम जोड़ें तो इस पूर्ण घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान आज पूरे विश्व पटल पर अकेला पड़ चुका है, और नवाज शरीफ जैसे लोग जब वहां शांति चाहते थे उनको सत्ता से घरेलू मुद्दों की वजह से हटाया गया, उसके बावजूद इमरान खान जैसे लोगों को मोहरे के तौर पर उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। इमरान खान वही है, मैं सब दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जब इन लोगों ने विश्व कप जीता था जी, तो बड़े अहंकार के साथ होना भी था, स्वाभाविक गर्व का विषय था, विश्व कप जीता था, बल्ला लहराते हुए उस व्यक्ति ने उस खेल के मैदान में यह कहा था कि इसी प्रकार एक दिन कश्मीर भी जीतेंगे जी, वही इमरान खान। और इसी इमरान खान को उन्होंने कठपुतली के तौर पर सेना ने प्रायोजित किया, पर भारत की जो विदेश नीति रही या जिस तरीके से घटनाक्रम रहा, इस दुनिया को मैं आज इस मुद्दे को इस अंत इसलिए करना चाहता हूँ इस वार्ता के साथ में, कि जैसे हमने शुरुआत में एक चर्चा की थी कि सुरक्षा सियासत का मुद्दा बना हुआ है और लोग इसको अपने अपने अलग मायने से देख रहे हैं कि वर्तमान में मोदी ने ये घटनाक्रम प्रायोजित सा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2015 से ही ये राष्ट्र पाकिस्तान के विरुद्ध नीतियां अपना चुका है और एक प्रायोजित तरीके से ही आगे बढ़ रहा है, लोग शायद इसीलिए इसे संदेहपूर्ण तरीके से देख रहे हैं। लेकिन सर ये नकारात्मक विषय हो गया कि संदेहपूर्ण तरीके से देख रहे हैं, ये कूटनीतिक तरीका कहा जाएगा जी, कूटनीतिक तरीका कहा जाएगा। जैसे सिंधु नदी जल विवाद था तो कहते हैं कि जब उरी हमला हुआ उसी समय भारत की सरकार ने ये तय कर लिया था कि हम ये चीजें करने हैं, वहाँ प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं जी, जो हमारा पानी उस तरफ जा रहा है 5%, हम केवल अपने हिस्से का पूरा उपयोग नहीं ले पा रहे हैं, वो रोकने के लिए उसी समय प्रयास कर दिए गए थे। उस समय प्रधानमंत्री ने एक बयान भी दिया था कि जल और रक्त दोनों साथ साथ नहीं बहेंगे जी, और उन्होंने काम करना चालू भी कर दिया था, और ये एक अच्छी सरकार का पैमाना है, एक निशानी है कि आप अपने संभावित शत्रुओं से निपटने के लिए पहले ही तैयार रहें, ना कि युद्ध होने के बाद हम तैयार होने की कोशिश। और युवाओं का जो रहा विषय है, तो कहीं ना कहीं हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा, पूर्वाग्रह से मुक्त होना पड़ेगा, और बढ़ते सम्मान को तो सर स्वीकार करना पड़ेगा, पूरा विश्व संभल रहा है। और सर विषय तो ये भी आता है, मुझे एक याद आता है कि पाक से तकरीबन 6 गुना बड़ा अपना देश है, 20 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारी जी। फिर भी जब भिड़ंत हुई, एक हास्यास्पद बात भी हो सकती है, भले एक व्यंग्य भी हो सकता है, पाक का पायलट जो था F-16 में था, दुनिया के बेशुमार जहाज में शामिल है, और हमारा पायलट MiG-21 में था, जो चलते चलते क्रेश हो जाते हैं जी, अपने आप क्रेश हो जाते हैं, और कहते हैं जब लड़ने गए उसमें भी एक जहाज अपनी पूरी भूमिका नहीं निभा पाया, उसने लॉक कर लिया था टारगेट, लेकिन वो ऐसी आ रही है मीडिया में बातें छन छन करके, तो ये भी अपने आप में विषय है। तभी प्रधानमंत्री साहब ने कल कहा कॉन्क्लेव के अंदर, कहा कि यदि राफेल होता तो परिदृश्य, और सर उन्होंने नहीं कहा, जिस दिन हमने एयर स्ट्राइक की तो हर युवा के मन में ये बात थी, हर व्यक्ति के मन में बात थी, काश आज राफेल। सर जहां तक हम शहीदों को या अपने सैनिकों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम, देखो सर दो चीजें हैं, कूटनीतिक तौर पे हम जीते अच्छी बात है, लेकिन इतिहास हमेशा विजेता का लिखा जाता है जी, इतिहास विजेता का लिखा। हम राजस्थान में बहुत मजबूत थे यदि हम हमारे राजतंत्र की ओर देखें, लेकिन सब दिल्ली पर शासन तो वहां तो बाबर का मार्ग मिलेगा, वहां आपको राणा प्रताप मार्ग नहीं मिलेगा जी, आपको वहां राणा सांगा का मार्ग नहीं मिलेगा, वहाँ वो लोग जीते तो उनका स्वाभाविक है पूरी चीजें उन्होंने अपने पक्ष में फैलाई है। अमेरिका जो है वो जीता है तो उन्हें तमाम चीजें अपने फेवर में करने की कोशिश की है। अब देखो मैं बात की जाए कि भारत में एक बहुत बड़ी सेना है, तकरीबन 12-13 लाख हमारे पास सैनिक है, हमारे पास उन सैनिकों की शहादत का कोई मेमोरियल भी नहीं है
ये अपने आप में भाई जो इंडिया गेट है वो अंग्रेजों ने बनवाया था, विश्व युद्ध के दौरान जो शहीद हुए उनको लेकर के, बाद में अमर जवान ज्योति बनाई गई, हमारे तकरीबन 25,900 तकरीबन 75 के तकरीबन जवान शहीद हुए जब तक वॉर मेमोरियल बना। 1960 के अंदर सेना ने सरकार से मांग की थी कि एक ऐसा नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया जाए, राष्ट्रीय समर स्मारक, युद्ध स्मारक बनाया जाए। तब से लेकर के 2019 में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने उसका लोकार्पण किया है, तो जो काम किया है उसको एप्रिसिएशन तो करना पड़ेगा, स्वाभाविक सा विषय। 2015 में उन्होंने स्वीकृति दी और तय समय से पहले मिलकर के वो तैयार हुआ। जहाँ हम तो शेखावाटी के लोग हैं, गौरव का विषय, पहले परमवीर चक्र विजेता हमारे झुंझुनू जिले के वीरू सिंह जी शेखावत की भी वहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ, तो ये तमाम चीजें हैं, तो जो चीजें स्वीकार योग्य उनको करना पड़ेगा। सेना ने 2008 या 2009 के अंदर तकरीबन 2.25 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी, वो एक भी नहीं दी गई, और वो अब जाकर के 2.25 लाख के तकरीबन केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ने अमेठी में AK-47 ऐसी, ठीक है, तो अब उनको 2.25 लाख के तकरीबन बुलेट प्रूफ जैकेट्स प्रोवाइड करवाई गई है। और आप ये नहीं मानते क्या कि भारत में आजादी के बाद जो आपका पूर्वी भाग है, सेवन सिस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें उपेक्षित रखा गया, और पिछले 5 साल में उनकी मजबूती हुई, उनकी उपेक्षा तब भी थी जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां से जीत करके आए जी। उसके बावजूद हमारे पास सीमा तक जाने के लिए सड़क मार्ग तक नहीं था। अब बोगी ब्रिज का उद्घाटन हुआ, उससे पहले एक ब्रिज का उद्घाटन किया गया, सड़क मार्ग बिछाया गया, एम्स का उद्घाटन हुआ, स्पोर्ट्स अकेडमी खोली गई, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि सेवन सिस्टर्स को जोड़ने की कोशिश की गई है? तो जो अच्छे कार्य किए गए हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और सर गौरव का विषय, मोदी एक व्यक्ति है, हम उसकी प्रशंसा या उनकी प्रशंसा या उनके खिलाफ जाए या नहीं जाए वो अपना व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री पद पर है तो वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 131 करोड़ जो हम लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और गौरव से सर तो तब भी उठता है जब कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों की मीटिंग होती है और वहाँ 51 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक बस में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए ब्रिटेन जिनके हम कभी गुलाम रहे वो लिमोजिन कार भेजता है और उनमें प्रधानमंत्री अलग से चलते हैं। सौर अलायंस का गठन हुआ, 108 देश है, शायद आप बेहतर जानते हैं, उनके अध्यक्ष हम भारत बनता है, तो कहीं ना कहीं 108 देशों का तो हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक विश्व शक्ति बनने की ओर जा रहे हैं। रही बात विवाद की, मैं कहूं आपको, जैसे हमारे विश्व योग दिवस मनाया गया 21 जून को जी, तो कहीं ना कहीं हमारी कूटनीतिक जीत नहीं थी कि पूरे विश्व ने पहली बार यूएन में किसी प्रस्ताव को तुरंत स्वीकृति दी है। सौर मंडल का गठन करके भी हम विश्व नेता की ओर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को जो सियोल शांति पुरस्कार दिया गया ये भी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व को दिखाता है, जबकि किम जोंग उन और ट्रंप के बीच समझौते की कोशिश तो अमेरिका कर रहा है, वह शांति सियोल पुरस्कार हमें दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में विषय है। लोग विवाद का विषय इसीलिए बने हुए हैं कि अंतरराष्ट्रीय जगत में ये संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व एक विश्व के नेतृत्व के लिए जरूरी है, जरूरी है, पर भारत की घरेलू राजनीति आज भी ऐसा विवाद का विषय बना हुआ है, शायद हो सकता है हमारी अत्यधिक स्वतंत्रता विषय बनी। और सर आप जो कह रहे थे बुद्धि, मैं एक कहूंगा, भारत को खतरा अज्ञानता से नहीं है जी, भारत को खतरा अति बौद्धिकता से है। अर्बन नक्सल एक मुद्दा बना जो इस राष्ट्र में आप देखेंगे कि नक्सलिज्म एंड होने की तरफ है, और ग्राउंड पे जब हम बात करें तो ये खत्म हो रहा है, पर जब हम लोग मीडिया हाउस की बात करें या बड़े बड़े लेखकों की बात करें या राजनीतिक गलियारों की बात करें तो ये पुनः शुरू हो रहा आइडियोलॉजी के तौर पे। शायद मेरी राय में 2014 से ही एक ट्रेंड सा बन चुका है कि सियासत ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों में 100% ये साबित हो चुका है सत्ता परिवर्तन जैसी संभावनाएं नहीं है, नहीं, नहीं, पर उनको प्रायोजित करने के लिए सर, एक मोदी विरोधी गतिविधि चल रही है, उनका कायदा भी और उनका धर्म भी बनता है। स्वाभाविक है जब तक वो विरोध नहीं करेंगे ना तब तक उनका अस्तित्व कैसे होगा, लेकिन वो विरोध रचनात्मक होना चाहिए। पर सर क्या राष्ट्रहित के मुद्दे पर होना चाहिए ना, यहाँ गलत है, मैं कह रहा हूँ कि वो विरोध रचनात्मक हो ना कि वो व्यक्तिगत हो, और जब राष्ट्र का विषय हो, पाकिस्तान की मैंने तारीफ की है, राष्ट्र के विषय पे पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ संसद में बोल रहे थे, बोला हमने भी है, इस बार देश इकट्ठा भी हुआ है, लेकिन बाद में जब लगता है कि इसका फायदा इनको मिलता जा रहा है तुरंत हम पीछे चले जाते हैं, ये अपने आप में विचारणीय बिंदु है। और सर लगता है कि आज हमारी चर्चा काफी लंबी हो चुकी है, इस विषय पे अपन पुनः आएंगे, और युवाओं से यही संदेश रहेगा कि राष्ट्र अजर अमर है, करोड़ों वर्षों की हमारी सनातन परंपरा है, ये अक्षुण्ण रहनी चाहिए, व्यक्तिगत हितों के कारण हम कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी न बन जाएं और कोई बड़ी भूल न कर बैठे, वक्त तो है देश के उठने का, संभलना भी होगा, पहचान भी करना होगा। अंत में इसी पंक्ति के साथ बात को छोड़ते हुए जा रहे हैं,
लोकतंत्र भले अच्छे का विकल्प न देता हो, क्योंकि उसमें अच्छों की कमी भी है, क्योंकि अच्छे आते नहीं है इस धारा में, गंदगी समझ करके दूर चले जाते हैं, गंदगी को साफ करने के लिए उतरना पड़ता है, भले अच्छा विकल्प न दे पाए, लेकिन उपलब्ध में से अच्छा चुनना हमारी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है, दायित्व भी है और बुद्धिमानी भी है। यदि नहीं करते हैं तो वो हो सकता है कि राष्ट्र वापस जी पीछे भी चला जाए। आगे तो आया है, विश्व स्वीकार कर रहा है, IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, आपका आर्थिक मंच, तमाम चीजें बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की प्रशंसा भी कर रहे हैं। कमियां व्यक्ति में भी होती है सर, दिक्कत क्या है, हम व्यक्ति को जब महामानव बनाकर देखने लगते हैं तब भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो व्यक्ति का व्यक्ति की तरह आकलन करें, लेकिन उपलब्ध में से अच्छे का चयन लोकतंत्र की खूबसूरती है। और अंत में ये भी कहूंगा, जब युवा फेसबुक पे लड़ते झगड़ते हैं जी, लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद लोकतंत्र की खूबसूरती है, आलोचना लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन आलोचना के बजाय समालोचना हो, पक्ष विपक्ष दोनों का संतुलन हो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इन्हीं बात के साथ जय हिंद जय भारत, अंत शहीदों को प्रणाम करते हुए बात को पूरी करते हैं कि जिन्होंने सर देकर सर ऊंचा किया भारत का, उन मां भारती के लाडलों का अभिनंदन कर लूं, और जिन्होंने बहाकर रक्त हिंदुस्तानी दूध को मान दिया, उन सपूतों की वीर प्रसूताओं का वंदन कर लूं, और जिन्होंने किया निछरावन सर्वस्व अपना भारत पर, उन शहीदों के कदमों वाली माटी का पूजन कर लूं, और जिन्होंने बुझाकर स्वयं को जलाया चिराग बलिदान का, मैं दीपक उन अमर दीपों को शत शत नमन कर लूं, शत शत नमन कर लूं। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ मैं इस मुद्दे को खत्म करना चाहता हूं, और सभी युवाओं से ये अपील है, जैसा कहा जाता है कि राजनीति में राष्ट्रहित से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है, और राष्ट्रहित में किया गया हर अनुचित कार्य भी, कौटिल्य जैसे व्यक्तियों ने भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रहित में किया गया हर अनुचित कार्य भी हमें स्वीकार करना पड़ता है। विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है, और शायद हमारा नेतृत्व इसी वजह से कुछ विवादों के विषय में है, बाकी संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारा सम्मान हो रहा है। इस राष्ट्र में भी अधिकतर आबादी, क्योंकि एक छोटी सी घटना अगर सत्ता को इस तरीके से अपने विश्वास दिला देती है कि आप पुनः कायम होंगे, ये साबित करता है कि एक दिन की घटना नहीं है, ये 5 साल की मेहनत का परिणाम है जो इस राष्ट्र की सत्ता ने किया है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर चयन करेंगे, और जो विचार आप लोगों के मन में चल रहा है, या जिस तरीके से आप फेसबुक पर विशेषज्ञ बनने का प्रयास करते हैं कि हो सकता है प्रायोजित था, हो सकता है इस तरीके का घटनाक्रम था, इसको एक सकारात्मक नजरिए से देखिए कि जो भी हुआ इस घटनाक्रम से पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस कदर साबित हो जाता है कि अब उसे किसी तरीके की विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुआ। जो भी हुआ मोदी को आप अशांत कह सकते हो, संपूर्ण दुनिया शांति का सम्मान देती है, आपके लिए वो केवल एक मोदी हो सकता है, आपके लिए वो एक केवल इस्लाम विरोधी हो सकता है, परंतु संपूर्ण इस्लाम की दुनिया उसे सर्वोच्च नागरिक मान चुकी है, संपूर्ण इस्लाम की दुनिया उससे विकास नीतियों के साथ समझौता कर रही है। सऊदी के राजकुमार ने हमारे साथ आर्थिक नीतियों पर समझौता किया है, उन्होंने इस राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी को हमारे सऊदी की ब्यूरोक्रेसी से जोड़ने के लिए समझौते किए हैं, वो सऊदी अरब को एक नया सऊदी अरब बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान ने भी ये स्वीकार किया है कि जैसा मोदी का भारत है ऐसा पाकिस्तान इमरान का बनाया जाएगा। ये साबित करता है कि मोदी का नेतृत्व है, और इस राष्ट्र की जो सुरक्षा है, इस राष्ट्र का जो विकास है, वो एक बेहतर व्यक्ति के हाथों में है। व्यक्तिगत आलोचना से ऊपर हमें उठना होगा, और हमें ये जानना होगा कि राष्ट्र के लिए किया गया हर कार्य सकारात्मक में होना चाहिए। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।